हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हेलो नमस्कार जयंत आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तो प्रति मतलब चारों ओर और, और संचरण करना यानी कि चारों ओर शरीर के चारों ओर शरीर के अंदर चारों ओर से जो संचरण करता है तो शरीर के अंदर चारों ओर रक्त संचरण करता है ब्लड संचरण करता है तो इसके तहत परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय को रक्त को ब्लड को और रक्त नलिकाओं को का अध्ययन करेंगे रक्त का अध्ययन करेंगे क्योंकि रक्त ही परिसंचरण करता है शरीर के चारों ओर उसके बाद रक्त को पंप करता है हृदय बिना हृदय के रक्त पंप नहीं हो सकता है चारों ओर जा नहीं सकता है तो हृदय को पढ़ेंगे और रक्त बहता कहाँ है नलिकाओं में बहता है दरअसल हम लोग स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं कसेरुकी के अंतर्गत कसेरुकियों को पाँच वर्गो बटा गया मत्स्य सरसरी पक्षी और अस्तधारी उसमें स्तनधारी में हम लोग आते हैं और स्तनधारियों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो यानी कि रक्त नलिकाओं में रक्त बहता है तो रक्त नलिकाओं को भी पढ़ेंगे हम लोग परिसंचरण तंत्र में पोषक पदार्थों पोषक पदार्थ में आएगा ग्लूकोज विटाम्स वसीय अम्ल कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि जो सब पोषक पदार्थ है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है जिससे पोषण होता है शरीर का इसके फूड एंड न्यूट्रिशन वाला एक अलग चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में के बाद नाइट्रोजनस हार्मोन्स ऑक्सीजन इत्यादि का परिवहन ब्लड के द्वारा रक्त के द्वारा किया जाता है मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था विलियम हार्वे विलियम में शब्द आया है वील वील जिसमें वील मतलब जो वो बिल जिसमें चूहा घुस जाते हैं घुसकर छुप जाते हैं बिल में चूहा तो उसी प्रकार से ब्लड भी कहाँ चल बहाता है नलिकाओं में बहता है नलिका है एक बिल प्रकार की जैसे बिल एक नली प्रकार का होता है जिसमें चूहा घुस जाते हैं तो बिलियम यानी कि बिल से याद करेगी बिलियम तो बिलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी इस सब टॉपिक्स में यानी कि इस चैप्टर में रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन शब्द हैं जो बार बार आएंगे ये है पीनिया एक शीस और एक ओसिस ये सफिक्स हैं जो शब्द के लास्ट में जुड़ेंगे प्रीफिक्स शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और सफिक्स शब्द के लास्ट में जुड़ता है तो ये सफिक्स है जो शब्द के लास्ट में जुड़ेंगे पीनिया अगर कहीं पीनिया शब्द आए तो उसका मर्थ मतलब होता है उस चीज की कमी जैसे इरिथ्रोसाइटोपीनिया इरिथ्रोसाइटोपीनिया यानी कि आरबीसी की कमी इस प्रकार से सिस सिस अगर शब्द आए तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज की अधिकता जैसे इरिथ्रोसाइटोसिस इरिथ्रोसाइटोसिस यानी कि आरबीसी की अधिकता और एक पोएसिस इसका होता है उत्पादन या निर्माण इस प्रकार से पीनिया अगर आपके शरीर में कोई पिंच हो दे अगर से आपके शरीर में कोई पिंच हो देगा तो पिन में से ब्लड आपके शरीर में से ब्लड निकलेगा तो थोड़ी सी ब्लड की कमी हो जाएगी ना तो पिंच होने से ब्लड की कमी हो जाएगी यानी कि यानी कि आपका एनर्जी इनर्जी की भी कमी हो जाएगी पिन चुभा देंगे तो वहां दर्द होने लगेगा तो शरीर की एनर्जी वहां जाने लगेगी यानी कि शरीर में एनर्जी की भी कमी हो जाएगी तो पीनिया शब्द किसके लिए होगा किसी चीज की कमी के लिए अगर आपके खाने में मिर्चा ज्यादा डाल दिया जाए खाने में अगर ज्यादा मिर्चा डाल दिया जाए तो क्या होगा आप सी 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 करने लगेंगे तो सी शब्द किसके लिए प्रयोग होगा अधिकता के लिए किसी चीज में किसी चीज की अधिकता हो जाए तो उसके लिए शब्द प्रयोग में आएगा शीश और पोएसिस पोएसिस मतलब उत्पादन पौसे, पौसे याद करेंगे उत्पादन यानि कि किसी चीज का उत्पादन करना निर्माण करना बोलेंगे पोएसिस ये तीन शब्द आएंगे आगे देखेंगे इसके बारे में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है एक खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तत्व तो तो इसमें रक्त हृदय से निकलकर सीधे शरीर के विभिन्न अंगों जिसे साइनस बोलते हैं रक्त शरीर के जहाँ जहाँ भी रक्त पहुँचता है उन्हें साइनस कहते हैं इंग्लिश साइंस uh, के लैंग्वेज में साइनस बोलते हैं तो साइनस तक ये पहुँचता है इसमें रक्त हृदय की से निकल सीधे साइनस तक पहुँचता है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अकशेरुकी जंतु और एनेलिडा आप किसी भी अकरुकी जंतु को देखेंगे जैसे आप टिड्डा को ही देख लीजिए या कोई भी अकसरु जंतु देखेंगे कशेरुकी और अकरुकी के बारे में हमने जंतु टॉपिक में पढ़ा दिए हैं कि जंतु को दो भाग में बांटे थे एक कार्डेटा एक नॉकार नॉन कार्डेटा कार्डेटा जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता था नॉट कार्ड नॉन कार्डेटा में नोटोकार्ड नहीं मिलता था कार्डेटा को का पुनः दो भागों में बांटे थे कशेरुकी और कशेरुकी कशेरुकी जब कार्डे नॉन नोटोकार्ड कशेरु के दंड में बदल जाता था

धमनीय सिरा यानी कि ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं ऐसे ही ब्लड बहता रहता है तो फिर रक्त नलिकाएं नहीं होती है तो फिर हृदय का क्या काम है हृदय का विशिष्ट काम है रक्त को गति देना रक्त को गति देने के लिए हृदय का काम है बाकी हृदय ऐसे ही बहता रहता है नली में नहीं बहता है अक्शी जंतु में लेकिन अकशोरकी में ही आता है एक संघ आता है एनएलिडा एने आता है वह अपवाद है इन एनेलिडा में बंद कसेरुक तंत्र पाया जाता है खोला नहीं पाया जाता है मनुष्य में जैसे अथवा कोई भी कसरुक जंतु में मत्स्य पक्षी और स्तनधारी सब इस में इसमें बंद नलिकाओं में प्रभावित रक्त होता है रक्त बंद नलिकाओं में प्रभावित होता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचता है तो कशेरुक जंतु इसके उदाहरण हो जाएंगे वर्टिब्रेट्स और एनेलिडा एनेलिडा किसका है और कशेरुक जंतु का एक संघ है लेकिन एन अपवाद है एनेलिडा में भी बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है और अकशरुक सॉरी कशरुक जंतु में तो बंद परिसंचरण तंत्र मिलता ही है एनिलेडा वर्ग क्या कशरुक जंतु में बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है हमने बताया अभी एनिलेडा अपवाद है कशरुकियों को पांच भागों में बांटे थे मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी ये पांच भाग हम बांटे थे और उसी समय हमने बताया था इसमें कि इनको क्या कारण है कि किस किस इस जीव को किस वर्ग में रखा जाए मत्स्य में उभयचर में पक्षी में, स्तनधारी में ऐसे आठ दस ऐसे हम लोग कैरेक्टर किस बताए थे जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता था जंतु वर्करण में देखे थे और जिसमें से सबसे पहला ही था परिसंचरण तंत्र कैसा परिसंचरण तंत्र होता है इसमें हृदय में चेंबर कितने होते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये हृदय है अगर चार चैम्बर है एक दो तीन चार अगर चार चैम्बर है तो एक इधर से आएगा आपका ब्लड ब्लड इधर से आएगा और इसमें आएगा तो एक सर एक सर्कुलेशन ये हो गया और एक इधर से आएगा इधर तो डबल सर्कुलेशन हो गया ये तो अगर चार चैम्बर किसी में है तो डबल सर्कुलेशन होता है पक्षी में और स्तनधारी में डबल सर्कुलेशन होता है दोहरा संचरण होता है परिसंचरण होता है डबल सर्कुलेशन वो जंतु वर्करण में भी पढ़ा चुके हैं इस बात को अगर किसी में दो ही चैम्बर हैं अगर किसी में दो ही चैम्बर हैं तो एक सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा सिर्फ एक ही सर्कुलेशन बचेगा तो अगर किसी में दो ही चैम्बर हैं, तो एकल सर्कुलेशन होता है एकल सर्कुलेशन केवल मत्स्य में एकल सर्कुलेशन होता है अगर किसी में तीन चैम्बर हैं एक दो तीन अगर किसी में तीन चैम्बर हो गए तो इसमें एक ये और एक ये दोनों मिलकर एक सर्कुलेशन बना लेगा और एक ये और एक ये एक मिलकर सर्कुलेशन बना लेगा लेकिन ये दो बार सर्कुलेशन बना रहा है लेकिन दोहरा तो हो रहा है लेकिन अपूर्ण द्वारा इसे बोलेंगे क्योंकि ये दो बार शामिल हो रहा है तो इसे बोलेंगे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसमें होता है तो उभाचार और सरस्रिप में अंतर क्या है मत्स्य में केवल दो चेंबर होते हैं मत्स्य के हृदय में सरस्रिप और पक्षी उभयचर और सरसिर्फ के चैंबर में तीन चैम्बर होते हैं के हृदय में तीन चैम्बर होते हैं और पक्षी और स्तनधारी इन दोनों के हृदय में चार चैंबर होते हैं इसलिए सिंगल सर्कुलेशन बनाता है मत्स्य उभयचर उभयचार और सरसिर्फ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बनाते हैं और पक्षी और स्तनधारी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बनाते हैं इस बात को हम लोग जंतु वर्गीकरण में भी देख चुके हैं अब देखते हैं हृदय के बारे में सबसे पहला टॉपिक हृदय है तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं कि हृदय क्या है हृदय पेशियों से बना अंग है जो कि वक्ष गुहा थोरेसिक थोरेसिक अवकाश में बाहे फेफड़े में स्थित होता है देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास दो फेफड़े होते हैं ये दो फेफड़े हैं आपके पास तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान है जो दोनों फेफड़ों के बीच में खाली स्थान है उसे ही बोलते हैं मीडिया स्टाइनम अवकाश दोनों फेफड़ों के बीच में जो खाली स्थान है उसे मीडिया स्टाइनम अवकाश बोलते हैं और ये बायां जो फेफड़ा है ये बायां साइंस में बायां और दायां ऐसे डिसाइड किया जाता है हम ऐसे खड़े होंगे और हमारा बायां ये है तो इधर बायां होता है हमारा दायां ये है तो हम इधर दायां होता है ऐसे डिसाइड किया जाता है तो ये बाया फेफड़े में यहाँ पर एक स्थान होता है जिसे वक् चुहा कहते हैं वक़ गुहा यहाँ पर स्थान होता है और यहीं पर ये हृदय ये हार्ट जो है स्थित होता है इस हृदय में अभी इसके बारे में पढ़ेंगे मनुष्य में हृदय के वजन लगभग तीन सौ ग्राम का होता है और आकार मुट्ठी के आकार का ये देख रहे हैं हृदय है। अब इसका आकार खुद ही डिसाइड कर लीजिए इस प्रकार से मुट्ठी के आकार का इसका आकार निर्धारित होता है बाकी जैसा है आपके सामने है हृदय में चार चेंबर होते हैं हमारे हृदय में चार चैम्बर होते हैं एक दाया आलिंद राइट आट्रियम ये है राइट आट्रियम दाया आलिंद यहाँ लिखा भी है एक बाया निलय दाया निलय यानी कि राइट right वेंट्रिकल ये राइट right वेंट्रिकल है यहाँ से डिसाइड अलग होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहीं से अलग होता है ये राइट right एट्रियम है ये राइट right वेंट्रिकल है यानी कि दाया आलिंद दाया निलय उसी प्रकार से इधर भी है बाया आलिंद ये लेफ्ट एट्रियम है बाया आलिंद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि बाया निलय डिसाइड कहाँ से होता है यहाँ से अलग होता है यानी कि ये है मिट्रिक बाल जिसे बायकस्पिड बाल भी कहते हैं मेट्रिक वाड को एक और नाम देते हैं बाइक स्पीड वाल्व सबसे बड़ा क्वेश्चक चेंबर होता है ये होता है राइट एट्रियम दाया आलिंद जो है सबसे बड़ा चेंबर होता है सबसे बड़ा चेंबर क्यों होता है क्योंकि पूरे शरीर से जब ब्लड आता है तो शरीर से जब ब्लड आता है सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में ही इंटर करता है यही सबसे पहले गिरता है शरीर पूरे शरीर से ब्लड लाकर शरीर के सभी अंगों से ब्लड लाया जाता है और ब्लड लाकर राइट आर्ट्रियम में यानी कि दाया आलिंद में गिराया जाता है कौन लेकर आता है लेकर आने के लिए तीन चीजें होती है एक है सुप्रियर वेनाकावा एक होता है इनफीरियर वेनाकावा वेनाकावा का मतलब होता है कि महाशिरा वेनाकावा का मतलब महाशिरा तो सुप्रियर वेनाकावा सुप्रियर मतलब श्रेष्ठ यानी कि अग्र महाशिरा ही से बोल सकते हैं अग्र महाशिरा एक होता है इनफीरियर वेनाकावा यानी कि पश्च महाशिरा और एक होता है कोरोनरी साइनस यहाँ पर नहीं लिखा है कोरोनरी साइनस अग्र महाशिरा अग्र मतलब आगे तो शरीर के आगे वाले आगे का मतलब कि यहां पर हृदय स्थित होता है या दोनों फेफड़े यहां पर होते हैं और उन फेफड़ों के बीच में यहां पर हृदय स्थित होता है और हृदय के ऊपर यानी कि ऊपर का सिरा यानी कि गर्दन सर्दन सब लेकर हाथों सब यानी कि हृदय के ऊपर के जो अंग है वहां से ब्लड लाना होता है तो कौन लेकर आएगा सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगी यानी कि अग्र महाशिरा लेकर आएगी या इससे नीचे का अंगों को से ब्लड लाना है तो पश्च महाशिरा लेकर आएगी यानी कि इन्फीरियर वेना कावा लेकर आएगी और हृदय खुद भी तो हृदय खुद ही मांसपेशियों से बना हुआ है और मांसपेशियां बनती हैं कोशिकाओं से यानी कि कोशिकाओं से, से बना है भी ऊर्जा की जरूरत होती है ब्लड की जरूरत होती है तो हृदय की दीवारों से हृदय बना है और हृदय की जो दीवारें हैं लाल लाल दिख रही हैं आपको तो हृदय की दीवारों में भी रक्त की जरूरत होती है तो हृदय की दीवारों से रक्त कौन लेकर आता है ये लेकर आता है कोरोनरी साइनस तो अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा कोरोनरी साइनस कहाँ लेकर आती है राइट आर्ट्रियम में ये दक्षिण सॉरी दाया आलिंद है तो दाया आलिंद में लेकर आती है दाया आलिंद से ब्लड कहाँ आता है ये वाल्व है ये वाल्व ट्राइक स्पीड वाल्व इसे बोलते हैं

कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो ब्लड को डी ब्लड बोलते हैं इसी को आप बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त से बोल सकते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन युक्त ब्लड बोल सकते हैं ऑक्सीजन युक्त इसी को शुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं तो शुद्ध रक्त का मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है अथवा नहीं है अधिकता किसकी है ऑक्सीजन की अधिकता है और अशुद्ध रक्त का मतलब ये अशुद्ध है तो अशुद्ध रक्त का मतलब कि की डीऑक्सीजेड कार्बन की मात्रा अधिक है तो हम ये दाया आलिंद में जब ब्लड आता है तो पूरे शरीर से आता है और पूरे शरीर से कैसा ब्लड आएगा अशुद्ध रक्त आएगा क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं उसमें से अपना पोषण को प्राप्त कर लेती है और उस सर्जन को उसी में डाल देती है रक्त में ही तो अशुद्ध हो जाता है तो सारे शरीर से अशुद्ध रक्त कहां आएगा राइट आट्रिया में आएगा यह संपूर्ण शरीर से डी ब्लड जिसे अशुद्ध रक्त बोलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बोलते हैं प्राप्त करता है कौन प्राप्त करता है दाया अलिंद इसीलिए सबसे बड़ा कुछ चेंबर होता है उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व से अंदर आता है जब यह दबता है दबता है इसका संकुचन होता है तो यहां से दबाव पड़ता है और ये खुल जाता है और खुल के ट्राइकस्पिड वाल्व से आता है राइट वेंट्रिकल में दाया नील में यहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड पुलमोनरी धमनी के माध्यम से फड़े तक तो पहुंचाता है उसके बाद यहाँ से जब ये दबता है जब ये दबता है तो यहाँ पर दबाव पड़ता है ये ट्रैक स्पीडबल के यहाँ पर दबाव पड़ता है तो ये बंद हो जाती है ट्रैक स्पीडबल और ये खुल जाती है और ये खुलकर चला जाता है इसमें फुल आर्टरी में यह धमनी है तो फुल धमनी में जाता है देखिए नीचे होता है नीला नीचे नीचे तो नीचे नीचे मतलब नीला और नीले से जुड़ता है धमनी Osionfish. दो चीजें होती है रक्त को ले जाने के लिए एक सिरा होती है एक धमनी होती है तो धमनी में नी शब्द आया है और निलय में भी नी शब्द आया है और नीचे में भी नी शब्द होता है तो नीचे निलय होता है और नीचे निलय से कौन ब्लड को ले जाता है धमनी धमनी में नहीं आया है तो धमनी लेकर जाता है यानी कि निलय से कौन जुड़ता है धमनी जुड़ता है तो यहाँ पर फुफुसीय धमनी पुलमुनोरी धमनी यहाँ से ब्लड लेकर जाती है कहाँ लेकर जाएगी शब्द आया है पुलमुनोर पुलमोनो साइंस में जहां भी देखें उसका मतलब होता है फेफड़ा तो ये ब्लड को लेकर जाएगी फेफड़े में इसको छान कर शुद्ध करने के लिए फेफड़े में लेकर जाएगी और फेफड़े में ले जाकर छान कर देगी और शुद्ध करके पुनः लाकर इसमें डाल देगी इसमें यानी कि लेफ्ट आट्रियम में बाया आलिंद मिलाकर डाल देगी और बाया आलिंद मिलाकर डालेगी तो यहां से कहा आएगा यानी कि बाया लेकर डालेगी सीरा शब्द यहाँ से भी आया है ना यानी कि कहाँ से लेकर आ रही है फिर यानि कि से आ रही है इसको छान कर फेफड़ा ने अलग करते शुद्ध कर दिया है छान कर तो ये शुद्ध ब्लड है शुद्ध रक्त है जिसे ऑक्सीजन युक्त तो कहते हैं अथवा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं यह है कहाँ आ गया बाया आलिंद में आ गया यहाँ से यह है बाइक स्पीड यहाँ से जब ये सिकुड़ेगा तो बाइकस्पीड वाल्व के द्वारा चला जाएगा इसमें बाइकस्पीड वाल्व खुल जाएगा और चला जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में बाया नीलाय में आ जाएगा और बाया नीला जब सिकुड़ेगा तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा और ये मेट्रिक वाल्व जिसे बाइकस्पीड वाल्व कहते हैं वाल्व बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा खुल जाएगा फिर ये ये वाला खुल जाएगा ये वाल्व ये वाल्व क्या है अयोटा महाधमनी है ये महाधमनी को इंग्लिश में अयोटा बोलते हैं तो महाधमनी में अयोटा में ब्लड चला जाएगा तो ये सबसे मोटी भित्ती वाला तथा सबसे कम आयतन वाला कोष्ठक है यहाँ से संकुचन के समय रक्त को दबाव के साथ पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा पंप किया जाता है तो महाधमनी उठाएगी और पूरे अंगों को पुनः बांट देगी अंग अपने काम में लेंगे पुनः अपना पोषण प्राप्त करेंगे उससे अपना उत्सर्जन उस पुनः उसी में डालेंगे और फिर लाकर फिर इसमें डालेंगे तो यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी डबल सर्कुलेशन बार बार चलेगा ये बाया निलय जो है आप देख सकते हैं कि ये जो निलय है यहीं से अयोरटा उठाकर पूरे अंगों तक ब्लड को फैला रही है और जब फैला रही है तो ये कैसे होगा ये जब सिकुड़ेगा तो इसमें ब्लड जाएगा जब सिकुड़ेगा तो ब्लड जाएगा इसका मतलब ये ये मोटी दीवार वाला होना चाहिए नहीं तो फट सकता है तो सबसे मोटी दीवार वाला यही होता है और इसलिए सबसे छोटा चेंबर भी होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा चेंबर कौन सा होता है तो बाया निलय होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये वाला सबसे बड़ा चेंबर कौन सा होता है दाया आलिंद होता है ये वाला क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का विशेष दबाव नहीं होता दबाव होता है लेकिन बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता है, है, है। पूरे शरीर से आता है ब्लड आसानी से धीरे धीरे आता है इसमें भरता रहता है तो इसमें बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता यह सबसे बड़ा चेंबर होता है नेक्स्ट देखते हैं कुलमोनरी धमनी एवं महाधमनी के सिरों पर अर्धचंद्रका का पाठ होता है कुलमोनरी धमनी और महाधमनी के सिरों पर अर्धचंद्रका का पाठ होता है यह है कुलमोनरी धमनी यह पुलमोनरी धमनी राइट वेंट्रिकल्स यहाँ से ब्लड जाएगा तो यहाँ पर पुलमोनी धमनी से धमनी में जाएगा फेफड़ों तक जाने के लिए तो ये अर्ध अर्धचंद्रकार का पार्ट है उसके बाद जब ये दबेगा तो यहाँ पर दब, दबाव पड़ेगा ये बंद हो जाएगा और ये खुल जाएगा उसके बाद ब्लड इसमें इंटर कर जाएगा जब इंटर कर जाएगा ब्लड तो ये जब सिकुड़ जाएगा पूरा तो ब्लड इसमें भर जाएगा और जब ब्लड इसमें भर जाएगा अब ये सिकुड़ जाएगा जब फैलने लगेगा तो यहाँ दबाव यहाँ पड़ जाएगा और ये बंद हो जाएगी आकर इस प्रकार से है खुली है इस प्रकार से बंद हो जाएगी और जब बंद हो जाएगी तो नीचे ब्लड नहीं आ पाएगा और चला जाएगा तो ये अर्धचंद्रकार का पाठ है और ये भी अर्धचंद्रकार का पाठ है अयोटा महा अयोटा को महाधमनी बोलते हैं तो महाधमनी के और पुल मुनरी धमनी पर अर्धचंद्रकार का पाठ होता है महाशिरा वेना कावा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती अभी हमने बताया कि शरीर के जब ऊपरी भाग से लेकर ब्लड आना है शरीर के ऊपर हिस्से से तो कौन लेकर आएगी अग्र महाशिरा सुप्रियर वेना कावा लेकर आएगी शरीर के निचले हिस्से से ब्लड लेकर आना है तो कौन लेकर आएगी वेना कावा लेकर आएगी और हृदय की दीवारों से ही ब्लड लेकर आना है तो कौन लेकर आएगा कोरोनरी साइनस लेकर आएगा कोरोनरी साइनस अग्र महाशिरा पर एक हाइवर्सियल वाल्व होता है पर परियन वाल्व और कोरोनरी साइनस पर थीबेसियन वाल्व ये वाल्व कभी कभी पूछ लिया जाता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वाल्व लेकिन आप याद करना चाहें तो आप बोल सकते हैं आगे है किसी को बोल सकते हैं कि वो आगे है आगे है मतलब अग्र महाशिरा है वाल्व पीछे किया आगे है उसके बाद उसको पीछे किया तो पीछे मतलब पश्च और किया मतलब यूटेकियन कियन यूटेकियन यूटे वाल्व और साइनस साइन थी साइन मतलब चमकीला चमकीली थी यानी कि साइनस से थी से थीबेशियन वाल्व यहां से याद कर सकते हैं अग्र महाशिरा पर हाइवर्सियन वाल्व है आगे है पश्चिम महाशिरा पर यूरटेकियन वाल्व है यानी कि पीछे किया और क्रोनरी साइनस पर थीबेशियन वाल्व है यानी कि साइन थी यानी कि चमकीली थी देखिए शरीर से अभी हमने बताया कि पूरे शरीर से ब्लड कौन लेके जाएगा ब्लड जाएगा छोटी छोटी सिराओं में हमने अभी बता देखिए एक चीज होता है सिरा और एक होता है धमनी सिरा को वेन बोलते हैं और धमनी को आर्टरी बोलते हैं इंग्लिश में तो सिरा और धमनी सिरा आप लोग देखे होंगे जब रसगुल्ला बनता है तो उसके लिए सिरा बनता है मुंह में पानी नहीं आना चाहिए तो रसगुल्ला बनता है तो उसके लिए सीरा बनता है तो सीरा कैसे बनता है चीनी से और चीनी में होता है कार्बन चीनी का सूत्र क्या है सी सिक्स एच ओ सिक्स यही चीनी का सूत्र है तो चीनी में होता है कार्बन ग्लूकोज का सूत्र है चीनी का तो चीनी में होता है कार्बन कार्बन होता है तो कार्बन क्या है अशुद्ध होता है जैसे हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है तो उसे बोलेंगे अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा मात्रा में है तो उसे बोलेंगे हम लोग अशुद्ध रक्त और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है तो उसे बोलेंगे शुद्ध रक्त तो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में क्या अंतर है ऑक्सीजन तो है ही अंतर किसका है कार्बन का तो कार्बन आकर किसी चीज को अशुद्ध कर दे रहा है इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त बोलते हैं और कार्बन जिसमें नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन है उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं तो कार्बन अशुद्ध करता है चीनी में कार्बन होता है तो इसलिए जो सीरा बनाते हैं रसगुल्ले के लिए उसे अशुद्ध बोल सकते हैं ना तो वहां से सीरा को अशुद्ध बोल सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं यहां से रिलेट कर सकते हैं कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जब सिराओं में अशुद्ध रक्त बह गया तो धमनियों में क्या बहेगा शुद्ध रक्त बहेगा विधि सी बात है तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है अब इसके अपवाद, हैं। इस इसके अपवाद है ये सामान्य परिस्थिति है सामान्य परिस्थिति क्या है कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा और धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा लेकिन इसके अपवाद हैं अपवाद क्या है जब भी पुलमुनो शब्द आ जाए आपको दिख जाए पुलमुनो तो पुलमुनो का अर्थ होता है फेफड़ा पुलमुनो का अर्थ होता है फेफड़ा तो जहां भी पुलमुनो आ जाए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है जैसे पुलमोनरी सिरा में क्या बहेगा सिरा में कैसा रक्त बहता है अशुद्ध तो पुलमोनरी सिरा में कैसा बहेगा शुद्ध बहेगा उल्टा हो जाएगा उसी प्रकार से पुलमोनरी धमनी अगर हम पूछें धमनी तो धमनी में कैसा रक्त बहता है धमनियों में शुद्ध बहता है ना लेकिन पुलमोनरी की बात जब करेंगे पुलमोनो आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा तो इसी में अशुद्ध रक्त बहने लगेगा तो उल्टा हो जाएगा सामान्य परिस्थिति क्या है सामान्य परिस्थिति है कि सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है क्योंकि सिरा जो रसगुल्ले का शरा होता है उसमें चीनी होती है चीनी चीनी में कार्बन होता है इसलिए शुद्धता अशुद्धता आ जाती है तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है सामान्य परिस्थिति ये है लेकिन जब पुलमुनो सद आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा बदल जाएगा अब यहाँ से इसको मिटाते हैं देखिए पूरे शरीर के पूरे बॉडी से शिरा कौन लेकर जाएगा बॉडी में जब सारी कोशिकाएं उत्सर्जन अपना पोषण प्राप्त कर लेगी जो भी पोषण होगा उसे ग्रहण कर लेगी रक्त में और अपना उत्सर्जन यानी कि अपना कोशिका स्तर पर जो भी खराब पदार्थ होता है वो तो ब्लड में डाल देगी तो ब्लड में डाल देगी तो अशुद्ध हो जाएगा तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा तो उसे कौन लेके जाएगा शीरा लेके जाएगी क्यों क्योंकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बात अभी हमने बताया तो शिरा लेकर जाएगी ये किसको दे देगी महाशिरा को ये छोटी छोटी बहुत सारी सिराएं हैं जो बहुत सारी अंगों से जुड़ी होंगी और ब्लड को उठाकर लेके जाएगी और एक बहुत बड़ी सीरा होगी जिसे बोलेंगे महाशिरा तो महाशिरा इसमें भी शब्द आया सिरा तो सिरा में अशुद्ध रक्त रहेगा तो ये अशुद्ध रक्त सिराए अपना महाशिरा को दे देगी महाशिरा क्या करेगा दाया आलिंद मिलाकर गिरा देगा यहाँ पर दाया आलिंद है अभी हमने दिखाया था दाया आलिंद तो दाया आलिंद में ला गिरा देगा जैसे ये शब्द छोटी 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 जो है ये हैं सिराएँ छोटी छोटी सिराएं हैं और यहाँ आकर धीरे धीरे सब मिल गई तो ये है एक बड़ी सी महाशिरा

तो फुफ्फूसी धमनी उठाएगी क्योंकि कहाँ ले जाना है फेफड़े तक ले जाना है शुद्ध करने के लिए फेफड़े तक ले जाना है तो फुफ्फूसी धमनी उठाएगी फुफूसी धमनी शब्द आ गया फुफूसी यानी कि पुलमोनरी शब्द आ गया तो पुलमोनरी में सबके लिए उल्टा हो जाएगा अशुद्ध रक्त तो में बहता है लेकिन पुलमोनरी शब्द आएगा तो उल्टा हो जाएगा यानी कि पुलमोनरी के लिए धमनी में शुद्ध बहेगा तो पुलमोनरी धमनी से लेकर चली जाएगी फेफड़ों तक फेफड़ा इसे शुद्ध करेगा कैसे करेगा वो बाद की बात है फेफड़े वाले चैप्टर में देखेंगे तो फेफड़ा शुद्ध करेगा और शुद्ध करेगा तो कौन लेकर जाएगा फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय कुरा लेकर जाएगा फुफ्फुसीय शीरा यानी कि पुलमोनरी सीरा पुलमोनरी फुफ्फुस पु, यानी कि जो भी फेफड़े से जुड़ी है उसमें शब्द होना चाहिए पुलमोनरी यह फेफड़े से जुड़ी है यह भी फेफड़े से जुड़ी तो पुलमोनरी पुलमोनरी सीरा कहा लेकर जाएगा आलिंद में बाया आलिंद में गिरा देगा यानी कि यहां लाकर गिरा देगा ये अंगो से यहां आया अंगों से यहां आया इसमें आया उसके बाद यहाँ ट्रैकस्पीड वाल्व होगा ट्रैकस्पीड वाल्व के द्वारा नीले में आया नीले के बाद ट्रैकस्पीड वाल्व के बाद नीले में आया नीले के बाद फुफुसी धमनी उठा ले गई ये फुफुसी धमनी है फुफुसी धमनी उठा ले गई उसके बाद इस फेफड़े शुद्ध किया ये फेफड़ा है यहाँ पर शुद्ध हुआ ब्लड उसके बाद ये पुलमुनिर वेन यानी कि पुलमुनिर सीरा लेकर आई ये पुलमंडरी सिरा लेकर आई और उसके बाद कहाँ गिरा दी बायां आलिंद में गिरा दी तो ये बायां आलिंद में गिर गया बायां आलिंद से बायक स्पीड वाल्व यहाँ जुड़ा होगा बायक स्पीड वाल्व जुड़ा होगा और बायक स्पीड वाल्व से कहाँ चला जाएगा माया निलय में चला जाएगा तो माया निलय में चला जाएगा माया निलय से कौन उठाएगी महाधमनी उठाएगी हमने बताया कि न से निलय और न से नीचे निलय हमेशा नीचे होता है और न से नीले न से नीचे और धमनी में भी नी नी आया है नी से नीला है नी से नीचे और धमनी में भी नी आया है तो नीले से हमेशा धमनी जुड़ी होगी तो पाया नीले से महाधमनी जुड़ी होगी यहाँ से महाधमनी जुड़ी है और महाधमनी उठाकर इधर लेकर आई और छोटी छोटी धमनियों को दे दी छोटी छोटी धमनियों को दे दी और धमनिया ले जाकर शरीर के अंगों को पहुंचा दी तो शरीर के अंगों तक पहुंच गया पुनः यही प्रक्रिया बार बार होगी और ये इसी प्रक्रिया को बोलेंगे ब्लड सर्कुलेशन अब एक चीज आपको हम कंफर्म कर दें क्योंकि आप कॉन्फ्यूज होंगे बाद में बाद में कंफ्यूज आप ये होंगे ये होता है इसको बोलते हैं ट्राइक स्पीड वाल्व ट्राइक स्पीड वाल्व ये वाल्व को है जो है इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइक स्पीड वाल्व यानी कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है ट्राइक स्पीड वाल्व इधर होता है लेफ्ट अट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे बोलते हैं मिट्रिक वाल्व इसी को बायोकस्पिड वाल्व भी कहते हैं बायकस्पीड वाल्व तो ट्राइकस्पिड वाल्व किस में होता है? बायकस्पीड किस में होता है है किस में ये आपको कंफ्यूजन होगा तो सबसे पहले रक्त कहाँ आता right है राइट अट्रियम में आता है यानी कि इस इस साइड में अशुद्ध रक्त बह रहा है अशुद्ध का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो अशुद्ध का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और इधर क्या बह रहा है शुद्ध रक्त बह रहा है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो ओ है और एक सी है दो ओ है और सी है एक यानी कि तीन है तो तीन का मतलब ट्राई तो इधर होगा ट्राई कस्पीड वाल्व इधर शुद्ध रक्त बाह रहा है तो शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है ऑक्सीजन में ए, दो जोड़, दो अणु है ना एक ऑक्सीजन ओ टू मतलब दो ऑक्सीजन तो इसमें दो का मतलब बाई तो ये बाइक स्पीड वाल्व यहाँ से जुड़ा होगा और बाइक स्पीड को ही मिट्रिक वाल्व बोलते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं हृदय धड़कन हार्ट बीट हृदय धड़कन हार्ट बीट। हृदय धड़कन हार्ट बीट हृदय धड़कन हार्ट बीट हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया है हमने बताया था ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में ऐच्छिक क्रियाएँ जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं और हम स्केलेटल सिस्टम में इस बात को कन्फर्म कर चुके हैं तो ऐच्छिक क्रियाएँ जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं जैसे हाथ का मुड़ना पैर का मुड़ना चलना इत्यादि और अनैच्छिक क्रियाएँ जो अपने आप होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता जैसे हृदय का धड़कना ब्लड का सर्कुलेशन होना इत्यादि सांस का आना जाना ये सब अनैच्छिक क्रियाएँ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती अपने आप चलती हैं तो हृदय का धड़कना भी एक अनैच्छिक क्रिया हम चाहें कि हृदय रुक जाए तो नहीं रुकेगा और अगर गलती से रुक गया <laughs> तो आप भी रुक जाएंगे यानि कि हृदय का धड़कना एक है। है। इसका नियमन करता है। हम नर्वस सिस्टम को पढ़ चुके हैं यानि कि जिसमें ब्रेन मस्तिष्क के बारे तो तीन भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम अग्रमाग अग्र मस्तिष्क के तीन भाग थे जिसमें से प्रमस्तिष्क और से फिलान ये दो था ग्राणपिन मस्तिष्क और डायन से फिलान उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क को परपोरा कोडर से पंडुकल सॉरी मध्य मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और सरेबे पंडुकल ये, ये दो भाग थे और पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग थे पंस सेल्लम और मेडुला घट्टा पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग थे पंस सेल्लम और मेडुला ग्डा तो हमने बताया था सेम जो है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है सेरिबेलम और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है मेडुला इस बात को हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर नर्वस सिस्टम चैप्टर को देख सकते हैं हृदय धड़क न एक अनैच्छिक क्रिया है जिसका नियमन मेडुला अवलंगाटा करता है क्योंकि किसी भी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला मेडुलावलंगाटा करता है इसमें स्थित होता है कार्डियक सेंटर और कार्डियक हमने बताया जहां भी शब्द दे देखें कार्डियो उसका अर्थ हृदय से लिया जाता है हृदय कार्डियो का अर्थ होता है हृदय तो हृदय यहाँ से हृदय कंट्रोल होता है कहाँ से कार्डियक सेंटर कार्डियक सेंटर कहाँ होता है मेडुला आबल घाटा में होता है यहां से हृदय धड़कन का संदेह तंत्रिकाओं के द्वारा दाया आलिंद को पहुंचते हैं हम इसके बारे में ये फिगर आप देख सकते हैं ये दया में इसके बारे में चाहें तो बहुत ज्यादा अंदर से जाकर डिटेल्स कर सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है हमें तो जरूरत क्या है जरूरत है कि हृदय धड़कन कैसी क्रिया है अनैच्छिक क्रिया है हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है क्योंकि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला मेडुलटा करता है इसलिए मेडुला मेडुलटा हृदय धड़कन नियंत्रित किया जाता है इसमें कार्डियक सेंटर होता है हृदय धड़कनों के संदेश हृदय के किस चेंबर में पहुंचते हैं तो दाएं आलिंद में पहुंचते हैं राइट आट्रिया में पहुंचते हैं ये दाया आलिंद है तो राइट आर्ट्रिया में पहुंचते हैं बस यही दो चार क्वेश्चन है इससे आप याद कर लेंगे हृदय धड़कन के समय कपाट वाल्व होने के बंद होने से हृदय धोनिया बीट सुनाई देती है हमने दिखाया अभी बाइक स्पीड वाल्व ट्रैक स्पीड वाल्व ये सब वाल्व दिखाया और वो जब बंद होते हैं ऐसे होते हैं ना अगर इधर से ब्लड आया था तो खुल जाते हैं और इधर से ब्लड आता है तो इन पर दबाव पड़ता है और इन पर दबाव पड़ता है यानी कि इधर ऐसे होते हैं तो बंद हो जाते हैं तो ब्लड को रोक लेते हैं तो इन्हीं के बंद होने से हृदय ध्वनियाँ हार्ट बीट सुनाई देती हैं और हार्ट बीट कैसी होती है अभी आपको सुनवा दें ये है हार्ट बीट हार्ट बीट आप सुन सकते हैं ये हृदय धड़क रहा है यहाँ से ब्लड आर्ट्रियन से वेंट्रिकल में आ रहा है और फिर अपनी नलिकाओं में जा रहा है पीछे जिसको हमने अभी दिखाया ये हृदय का कर धड़कना है आगे देख सकते हैं वही चीज बार आएगी नेक्स्ट करते हैं इसको एक और दिखा देते हैं ये ये आप देख सकते हैं ये वाल्व है ये वाल्व है ये वाल्व है यही वाल्व जो है ऐसे ऐसे हो रहा है वो ऊपर से आने पर ऐसे बंद हो जाता है और ब्लाकर रुक जाता है जैसे ये ये बाल्ब है ना ये बाल्ब है बाल्ब दिखाया जा रहा है चलते हैं अपने टॉपिक पे हर्ट बीट प्रथम हृदय ध्वनि अब हर्ट बीट को देखते हैं हृदय ध्वनि कैसे सुनाई देती है प्रथम हृदय ध्वनी बीट प्रथम हृदय ध्वनि यानी कि फर्स्ट हर्ट साउंड इसे एस वन बोलते हैं एस वन का मतलब साउंड वन और द्वितीय हृदय ध्वनि साउंड सेकंड थर्ड साउंड इसे एस टू बोलते हैं एस टू का मतलब साउंड टू एस वन और एस टू कैसे क्रिएट होते हैं यह निलय वेंट्रिकल के संकुचन के समय ड्राइकस्पिड वाल्व तथा बायकस्पीड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है यह है ट्राकस्पीड वाल्व हमने बताया इधर अशुद्ध रक्त बहता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला और कार्बन डाइऑक्साइड में सीओ टू तीन है इसमें अड़ू तो इसमें ट्राइक स्पीड तीन कबीड वाल इधर होता है बाइक स्पीड वाल सिर्फ ऑक्सीजन होता है शुद्ध रक्त बहता है तो दो अणु है तो बाइक स्पीड वाल इसी को मिट्रिक वाल भी बोलते हैं बाइक स्पीड वाल को तो ट्राइक स्पीड वाल्व दिस एंड बाइक स्पीड वाल्व दिस इन दोनों के बंद होने से एस वन उत्पन्न होता है साउंड वन उत्पन्न होता है यह लव के रूप में से होता है यह होता कब है देखिए यहाँ से जब ब्लड इसमें चला जाएगा ये खुल जाएगा ब्लड जब इधर ये दबेगा तो ये खुल जाएगा और इसमें तो ब्लड इसमें चला जाएगा ब्लड इसमें जाने लगेगा और जब ये लावालब फुल हो जाएगा जब ये लावालभ लब भर जाएगा तो ये क्या होगा इस पर दबाव पड़ेगा जब थर थर था था तो ये दबेगा तो यहाँ पर दबाव पड़ने से ये यहाँ पर दोनों बंद हो जाएंगे ये ब्लड ऐसे रहेगा और ऐसे खुल जाएगा ऊपर से आएगा तो इधर से आएगा तो ऐसे बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा तो इधर

अभी ये जब ये भर गया जब ये भर गया तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया तो क्या हुआ बंद हो गया तो लब लब, लब भरा तो लब से आवाज़ सुनाई दी जही ये ट्रैक स्पीड ऑल बंद हुआ और इधर भी यहीं क्रिया है जो ही बाइक स्पीड बंद हुआ लब से आवाज सुनाई दी ये लब लब भर गया तो अब क्या होगा ये दोनों सिकुड़ेंगे ये भी और ये अब सिकुड़ेंगे जब सिकुड़ेंगे तो यहाँ दबाव पड़ेगा और यहाँ दबाव पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा और इसमें भी यहाँ दबाव पड़ेगा तो ये बंद हो जाएगा और जब बंद होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा इसमें से चला जाएगा यहाँ से जहाँ पाएगा रास्ता वहाँ जाएगा और इसमें यहाँ से पाएगा यानी कि पुलमोनरी आर्टी में जाएगा और इसमें अयोटा महाधमनी में जाएगा और जो ही जब सिकुड़ता जाएगा तो ब्लड इसमें चढ़ता जाएगा इधर आर्टरी में पुलमोनरी आर्टरी में इस महाधमनी में चढ़ेगा और जो ही जब पूरा सिकुड़ जाएगा तो जब खुलेगा तो ये पे इस पर दबाव पड़ेगा और ये बंद हो जाएंगे ये बंद हो जाएँगे ब्लड को नीचे नहीं आने देंगे यहाँ से भी ये बंद हो जाएगा और जब बंद हो जाएगा जब ये दोनों बंद होंगे तो यहां से भी एक आवाज सुनाई देगी डब डब का आवाज सुनाई देगी तो जब लबालभ -लब भरेगा निलय तो लब की आवाज सुनाई देगी और जब अर्धचंद्र का अर्धचंद्रकार का पाठ इन्हें अर्धचंद्रकार का पाठ बोलते हैं क्योंकि अर्ध आधा चंदा मामा जैसे होते हैं उसी प्रकार का है ना इसलिए तो, तो अर्धचंद्रकार के बंद होगा तो डब की आवाज सुनाई देगी तो इस प्रकार से लब डब लब डब लब डब, डब आवाज सुनाई देती रहती है इसमें लब और डब में आप देखें कि अंतर क्या है यू डबल भी इसमें भी है यू डबल भी इसमें भी है अंतर क्या है यहाँ l है यहाँ पर d है a b c d में देखेंगे तो l का स्थान 12 होता है और d का स्थान 4 होता है तो बड़ा कौन है लव है l का स्थान बड़ा होता है तो जब बड़ा होता है तो अधिक समय तक सुनाई देगा अधिक समय बड़ा होता है तो अधिक समय इस लेगा यानी कि 0.15 सेकंड लेगा समय और ये

जब क्या है कम समय तक सुनाई दे रहा है तो तीव्र स्वर में सुनाई देगा थोड़ा तेज सुनाई देगा तो ये होते हैं एस1 और एस2 एस1 कैसे पैदा होते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल के लवा भरने से लव की आवाज सुनाई देती है वेंट्रिकल में एस1 में एस2 अर्धचंद्रकार कपाट के बंद होने से डब की आवाज सुनाई देती है लव 0.115 सेकंड तक सुनाई देता है डब 0.10 सेकंड तक सुनाई देता है और लब क्योंकि अधिक समय तक तो सुनाई देता है इसलिए धीमी स्वर में सुनाई देता है और डब कम समय तक सुनाई देता है इसलिए थोड़ा तेज सुनाई देता है ऐसे S3 S4, एस थ्री और एस फोर ये साउंड वन साउंड टू ऐसे होता है साउंड थ्री और साउंड फोर ये इतना धीमे होता है कि सामान्य परिस्थिति में सुनाई नहीं देता है इसलिए ये बहुत ज्यादा धीमे होता है ये बहुत धीमी धुनिया है जो सामान्यता सुनाई नहीं देती है नीलियों के भरने से एस थ्री आलिंदों के सिकुड़ने से एस फोर उत्पन्न होता है ये नीला जब भर जाता है तो एस थ्री उत्पन्न होता है और आलिंद जब सिकुड़ जाते हैं ये जब सिकुड़ते हैं ऐसे तो एस फोर उत्पन्न होता है ये सुनाई नहीं देता है इसलिए तो इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं हृदय धड़कन पर तंत्र की नियंत्रण के अलावा हार्मोन्स का भी प्रभाव पड़ता है हम नर्वस सिस्टम में ही पढ़ चुके हैं तंत्रिका तंत्र में ही पढ़ चुके हैं कि तंत्र के लिए आवेगों को बढ़ाने और घटाने के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जैसे एड्रनलिन नार एड्रलिन इत्यादि हार्मोन्स को हम लोग पढ़ चुके हैं जो तो हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है वह हार्मोन्स यहाँ पर दिया गया है नार एड्रिन और एड्रिन आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाता है आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाता है जैसे जैसे सपोज करें आपने शेर को देखा अथवा शेर को छोड़ी आपने किसी लड़की को देखा और लड़के को देखा तो आप वहाँ से आपके मेंडीपल पर चप्पल पड़ा देखने से आपके मेंडीवल पर चप्पल पड़ा और जब चप्पल पड़ा मेंडीवल पर तो आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होगी आपके लिए संकट की परिस्थिति होगी तो आपका हृदय धड़कन तेज हो जाएगा तेज तेजी तेजी तेज, जल्दी जल्दी हृदय धड़कने लगेगा तेज, तेज आवाज़ ज़्यादा आने लगेगी आप देखे होंगे कोई भी आपातकालीन परिस्थिति होती है तो इसमें आवाज़ ज़्यादा आने लगती है यानी कि हृदय धड़कन बढ़ जाता है किसकी वजह से बढ़ता है एड्रलिन की वजह से नार एडलिन नार मतलब नहीं नार शब्द आया है नार मतलब नहीं जब आपातकालीन परिस्थिति नहीं है यानी कि परिस्थिति खत्म हो गई आपातकालीन तो सामान्य परिस्थिति आ गई तो हृदय धड़कन उस समय हृदय धड़कन को थोड़ा बहुत ही बढ़ाता है और थाइराक्सिन हार्मोन थाइराक्सिन उपापचय क्रियाओं को बढ़ाकर हृदय धड़कन को यह भी बढ़ाता है थायरॉक्सीन हार्मोन्स अब रक्त दाब देखते हैं ब्लड प्रेशर बीपी बीपी मतलब ब्लड प्रेशर कहा से होता है आपको अभी हमने दिखाया कि यहाँ से ब्लड आता है इसके द्वारा यानी ट्रैक राइट वेंट्रिकल में अब राइट वेंट्रिकल जब दबता है जब वो दबता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है पोलमोनर आर्टिस में यानी कि धमनी में चला जाता है यहाँ से भी यही कार है यहाँ से यहाँ ब्लड आता है अब जब ये दबता है लेफ्ट वेंट्रिकल जब दबता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है अयोटा में यानी कि महाधमनी में यानी कि धमनियों में चला जाता है तो बीपी क्या होता है धमनियों में जब दबा कर दबाव के द्वारा जब ब्लड जाएगा ये दोनों जब दबेंगे इसे और दबाव के द्वारा जब ब्लड धमनियों में जाएगा तो धमनियों पर दाब पड़ेगा धमनियों की दीवारों पर दाब पड़ेगा और उसी दीवारों पर जो दाब पड़ता है ब्लड के द्वारा उसी को बोलते हैं रक्त दाब या ब्लड प्रेशर बी इसको मापा कह जाता है स्फिग्नो माइनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है ब्लड दाब को ब्लड प्रेशर को इस संकुचन सिस्टोल सिस्टोल संकुचन संकुचन से स एस से स एस फार स तो आप सिस्टोल किसको बोलेंगे संकुचन को तो प्रसरण किसे बोलेंगे डायस्टोल प्रसरण को बोलेंगे यानी कि सिकुड़ना फै सॉरी फैलना तो संकुचन यानी कि सिकुड़ना और डायस्टोल प्रसरण यानी कि फैलना प्रसार मतलब फैलना होता है ना प्रसार करना किसी चीज का प्रसार प्रचार करना तो संकुचन और संकुचन सिस्टोल तथा प्रसरण डायस्टोल के समय धमनियों आर्टरीज की दीवारों पर उत्पन्न दाब को रक्त दाब कहते हैं और इसकी माप इस फिग्नो यंत्र के द्वारा की जाती है अभी हमने इस चीज को बताया आपको संकुचन सिस्टोल क्या होता है और प्रसरण डायस्टोल क्या होता है हमने बताया संकुचन का मतलब किसी चीज को संकुचित हो जाना मतलब सिकुड़ना सौ से सिकुड़ना से संकुचन सौ से सिस्टोल तो संकुचन को सिस्टोल बोलते हैं मतलब सिकुड़ना तो जब हर्ट सिकुड़ेगा हमने बताया यहाँ पर हार्ट सिकुड़ता है तो यहाँ पर दाब पड़ता है धमनियों में यानी कि जब हार्ट सिकुड़ेगा हार्ट कंट्रेक्स करेगा तो ब्लड क्या होगा आउट होगा यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला जाएगा बाहर किस में जाएगा धमनियों में चला जाएगा बाहर धमनियों में चला जाएगा तो ब्लड आउट होगा इस समय बीपी पी ज्यादा हो जाएगी ना धमनियों पर लगने वाला दाब ज्यादा जा हो जाएगा यानी कि इस समय बीपी 120 एक सौ होता है इसमें टाइम लगता है जीरो पॉइंट सेकंड का टाइम लगता है और प्रसरण जब प्रश्न मतलब फैलाओ जब ये दब के फिर फैलेगा फैलेगा कब जब यहाँ से ब्लड आने लगेगा यहाँ इसके थ्रू यहाँ में तो ये फैलने लगेगा तो जब ये फैलेगा तो उस समय धमनियों पर तो कोई दब नहीं पड़ेगा या पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा तो उस समय जब ब्लड फैलता है तो ब्लड इन होता है ब्लड इन कहाँ से होगा यहाँ से होगा ब्लड इन अंदर आएगा राइट वेंट्रिकल में यहाँ से भी राइट वेंट्रिकल में आएगा यानी कि ब्लड अंदर आएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसमें जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड का समय लगता है और उस समय कितनी होती है कम होती है अस्सी एम जी होती है तो संकुचन के समय एक सौ बीस एम एम एच जी और प्रसरण के समय अस्सी एम एम एच जी बी पी होता है इसलिए बी पी को जब भी देखेंगे तो अस्सी एक सौ बीस लिखा जाएगा अस्सी एक सौ बीस एम एम एच जी एम का मतलब मिलीमीटर एस का मतलब मरकरी उसे मरकरी भरा रहता है ना अस्सी कब अस्सी कब होता है प्रसरण के समय डायस्टोल के समय और 120 कब होता है संकुचन के समय संकुचन के समय 120 होता है क्योंकि जब दबता है तो धमनियों में दबाव पड़ता है तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट देखते हैं एक वयस्क मनुष्य का हृदय एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है तथा तो प्रत्येक धड़कन के साथ बहत्तर मिलीमीटर रक्त को पंप किया जाता है हमने अभी देखा है कि एक हृदय धड़कन क्या होता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल सिस्टोल और डायस्टोल हृदय धड़कन है यानी कि सिकुड़ना और फैलना यही तो हृदय धड़कन है ना तो हृदय धड़कन सिकुड़ना फैलना सिस्टोल और डायस्टोल सिस्टोल में कितना समय लगता है इतना और डायस्टोल में इतना एक हृदय धड़कन कितना होता है एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल सिस्टोल में 0.3 सेकंड का समय लगता है और डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगता है दोनों मिलाकर 0.8 सेकंड का समय ले लिया और 0.8 सेकंड में हृदय धड़कता है कितनी बार धड़कता है एक बार धड़कता है तो एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा 1 बटा में 0.8 कितना बार तो एक मिनट मतलब 60 सेकंड तो 60 सेकंड में कितनी बार धड़केगा 1 0.8 60 आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा बहत्तर तो ये बहत्तर बार धड़केगा तो बहत्तर बार हृदय धड़केगा इसलिए एक मिनट का मतलब सिक्सटी सेकेंड एक मिनट में हृदय बहत्तर बार धड़कता है आप यहां से निकाल सकते हैं अब एक मिनट में बहत्तर बार धड़कता है और प्रत्येक धड़कन के साथ बहत्तर एम रक्त का पंप किया जाता है तो बहत्तर गुणे बहत्तर यानी कि पांच सौ के आस पांच हजार के आसपास आएगा यानी कि पांच लीटर से ज्यादा हो जाएगा इतना लीटर पंप किया जाता है यानी कि मनुष्य में कितना रक्त है पांच लीटर के आसपास ही होता है पांच से छ लीटर रक्त होता है तो एक मिनट में पूरा रक्त को पंप कर लिया जाता है एक बार लगभग एक मिनट में पूरे रक्त को एक बार पंप कर लिया जाता है अब इससे संबंधित भी दो शब्द आपको देख... देखने को मिलते हैं एक उच्च रक्तचाप एक उच्च रक्तचाप मिलता है हाइपर एक, एक मिलता है निम्न रक्तचाप हाइपर hyper. किसी को बोलते हैं ना ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है मतलब कोई जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तो उसको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाइपर हो गया है तो हाइपर का मतलब कि अत्यधिक मतलब अधिकतम हाइपो का मतलब न्यूनतम इस, इस इस, दोनों शब्दों को हम बताए थे वहां भी नर्वस सिस्टम में बताए थे हाइपर टेंसन किसे बोलते हैं जब एक सौ बीस एम एम एच जी स्टोल के समय और डायस्टोल के समय सिस्टोल के समय कितना होता है एक सौ बीस एम एम एच जी होता है और डायस्टोल के समय कितना होता है अस्सी एम होता है ब्लड प्रेशर तो अगर 120 mmHg, एक सौ बीस एम एक सौ बीस एम एम से कम या अधिक बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा अधिक हो जाए ब्लड प्रेशर तो उसे बोलेंगे उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन और डायस्टोल के समय अस्सी एम एम से बहुत ज्यादा कम अथवा बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन तो इसलिए टेंशन दो प्रकार के होते है हाइपर और हाइपोटेंशन इसी प्रकार के दो शब्द आते हैं एक होता है

वाली राइट वेंट्रिकल से निकलता है जो ब्लड महाधमनी अयोधा को महाधमनी बोलते हैं तो अयोडा महाधमनी तो पुलमोनरी धमनी और महाधमनी अगर किसी कारण बस ब्लॉक हो जाए तो इसे बोलते हैं हार्ट अटैक किसी कारण बस अगर ब्लॉक हो जाए दोनों तो इसे बोल नाम देते हैं हार्ट अटैक उसी प्रकार का होता है कार्डियक अरेस्ट इसी प्रकार से होता है कार्डियक अरेस्ट ट्रैकस्पीड वाल्व और बायकस्पीड वाल्व अगर ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश तो उसे बोलते हैं कार्डियक आरेस्ट ट्राइकस्पीड वाल्व यानी कि आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो है और बायसपीड वाल्व वो लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है तो ट्राइक स्पीड बाल्व और बायसपीड वाल्व अगर बंद हो जाए uh, ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश तो उसे कार्डियक आरेस्ट बोलते हैं और पल्मोनरी धमनी अथवा महाधमनी अगर किसी कारण ब्लॉक हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं धमनी को आर्टरी बोलते हैं आर्टरी Artery, तो ए से आया है आर्ट ए आर टी है ना ए आर टी यहाँ भी आ गया ए आर टी ए आर टी तो इसलिए बोल देंगे कि धमनी वाला यानी कि पुलमोनरी धमनी और महाधमनी अगर ब्लॉक हो जाता है तो ए आर टी आता यानी कि हार्ट अटैक आता है और सी यूएस का स्पीड आया है ना तो कार्डियक में भी सी आया है यहाँ भी सी आया है तो ट्रैक का स्पीड और बाइक का वाल

हृदय धड़कन के दौरान उत्पन्न तरंगों को आरेख के रूप में दर्शाया जाता है या आरेख के रूप में उत्पन्न तरंगों को दिखाया गया है हृदय धड़कता है जब धड़कता है लब डब लब डब किस किस प्रकार से धड़कता है बंद होता है खुलता है तो उसे आरेख के रूप में दिखाया गया है इसी प्रकार से हृदय धड़कन के दौरान उत्पन्न आरेख के रूप में हृदय ध्वनि सुनने के लिए टेथीस्कोप का उपयोग किया जाता है यह है टेथेस्कोप डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है इसको तो आसानी से आप लोग देखे छोटे के में तेज होती है रक्त में उपस्थित सीओ टू रक्त में उपस्थित सीओ टू रक्त के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है जब पीएच कम होगा तो हृदय गति बढ़ जाती है इसलिए अम्लीयता हृदय धड़कन को अधिकतम अश अम्लिता अधिकतम करती है और क्षारियता न्यूनतम करती है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय हृदय धड़कन से यानी कि अम्लीयता रक्त में उपस्थित अम्लीयता से एसिडिटी से हृदय धड़कन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप बताएं कि अधिकतम हो जाएगा अम्लीयता अगर होगी तो अधिकतम हो जाएगी अवस्यम्लिता अस अधिकतम और क्षारियता आएगी तो हृदय धड़कन कम हो जाएगी न्यूनतम हो जाएगी बच्चों में होता है फोसा ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे बोलते हैं वो एक बीमारी है और इसी बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में ये अब ये बैंकनी पिंक कलर का आप दीवारें देख रहे हैं हृदय की दीवारें जहाँ से कोरोनरी साइनस ब्लड उठाती है तो वह दीवारें अगर इन दीवारों में को दीवारों को सेप्टम मसल्स बोलते हैं सेप्टम ये मसल्स होती है ना तो सेप्टम मसल्स बोलते हैं दीवारों को और किसी कारण सेप्टम मसल्स में छेद हो जाए तो लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल का दीवार अगर छेद हो जाए सेप्टम मसल्स में छेद हो जाए तो ये इधर होता है शुद्ध रक्त इधर होता है अशुद्ध रक्त तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाता है दीवार में छेद हो जाएगा यानी कि सेप्टम मसल्स में अगर किसी कारणवश छेद हो जाए तो इधर का शुद्ध रक्त और इधर का अशुद्ध रक्त दोनों आपस में मिल जाता है और इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम याविलिश ये बच्चों में अधिकांशतः बच्चों में होता है सब में नहीं होता है किसी किसी में होता है हृदय की झिल्ली हृदय की झिल्ली पेरी कार्डियम बोलते हैं हमने बताया था कई बार बता चुका हूं कि पेरी का अर्थ होता है चारों ओर और।, और अभी बताया मैंने कार्डियो का अर्थ होता है हृदय हृदय जो चारों ओर होगा झिल्ली हृदय जो चारों ओर होगा वही होगी हृदय झिल्ली हृदय के चारों होती है तो चारोंडियम बोलेंगे और पेरिकार्डियम जो हृदय की झिल्ली होती है उसके उसके पास उसके पास यानी कि वो जस्ट नीचे पेरी मतलब चारों कार्डियल मतलब हृदय तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है तो हृदय झिल्ली के मध्य द्रव को क्या बोलेंगे पेरिकार्डियल द्रव पेरिकार्डियल झिल्ली और पेरी कार्डियल द्रव आप याद करेंगे हृदय भित्ति पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम को हृदय भरती बोलते हैं यह तीन स्तरों से बना होता है एपी कार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम हमने बताया था जो मीजो और इंडो इन शब्दों के बारे में हम बताया था इंडो का मतलब होता है आंतरिक इग्जो का मतलब बाहर और मीजो का मतलब मध्य कई बार बता चुका हूं जहां भी शब्द इसका मतलब ये होता है तो इग्जो को एक और नाम दिया जाता है एपी इग्जो को एक और नाम दिया जाता है ईपी और मीजो का एक और नियम जाता है मायो मायो तो दो नाम दिया जाता है तो मीजो और होता है बाहरी मेज़ो और मायो होता है मध्य और इंडो का अंदर वाला तो एंडोकार्डियम आंतरिक स्तर होगा मायोकार्डियम मध्य स्तर होगा और एपी बाह हो कार्डियम बाह्य स्तर होगा एपी कार्डियम मतलब हृदय हमने बताया इस चैप्टर में हृदय रुधिर और वेसल्स को पढ़ना हृदय के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब रुधिर रुधिर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के बारे बारे में में पढ़ते ब्लड एक आदान मतलब मतलब प्रदान करता है तो इसे संयोजी संयोजित है, उतक है। तो हमने बताया था कि तीन परतें होती है एक्टोडर्मोडर्म एंडोडर्म कई बार बता चुका हूँ मीजोडर्म मध्य परत एंडोडर्म आंतरिक एक्टोडर्म को छोड़कर मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच ब्लड का निर्माण होता है इन्हीं के बीच इसलिए इन्हें मीजोडर्मल उत्तक बोलते हैं रुधिर रुधिर मीजोडर्मल अंग है अभी हमने बताया कि रुधिर मीजोडर्मल उत्तक है तथा एंडोकार्डियम के मध्य अस्थि मज्जा बनता है स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ा चुका है और स्केलेटल सिस्टम के बारे में जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताते हैं रुधिर का निर्माण कहाँ होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है अचानक से कभी कभी एक्सीडेंट होता है अचानक से खून की कमी हो जाती है तो पीली अस्थि मज्जा भी निर्माण करती है लेकिन सामान्य परिस्थितियों में लाल अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है और मीजो डर्म से होता है वयस्क मनुष्य में रुधिर का आयतन पाँच से छः लीटर होता है जिसका पीएच होता है सेवन पॉइंट फोर दरअसल एक से दो तीन चार पाँच ऐसे सात होगा कहीं उसके बाद आठ नौ दस उसके बाद चौदह होगा तो सात जो होता है वो न्यूट्रल होता है सात के जैसे जैसे नीचे जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाती है अम्लीयता बढ़ती जाती है और सात के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे छारियता बढ़ती जाती है और सात न्यूट्रल होता है छारी नौ छारी होता है नॉम्ली होता है यानी कि ये उदासीन होता है सात तो ब्लड का पीएच कितना है, 7 है. तो सेवन पॉइंट फोर के ऊपर होगा 7 के ऊपर जाएंगे तो क्या हो गई छारी हो जाएगा. तो ब्लड कैसा है छारी है यानी कि बेसिक है प्लस एल्कालाइन है एल्कालाइन है मतलब सालिबुल इन्वर्टर अगर पानी ले लेंगे और पानी में थोड़ा सा ब्लड डालेंगे तो वो घुल जाएगा पानी में पता नहीं चलेगा उस ब्लड का कहाँ गया और उसी पानी में अगर तेल डालें आयल तो वो नहीं घुलेगा तो उसका पता चल जाएगा कि बूंद के रूप में इकट्ठा होगा किसी, किसी और लग जाएगा तेल तो घुल्कलाइन मतलब तो तो है? एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब पांच से छह लीटर रुधिर होता है सामान्य परिस्थितियों में और फीमेल से होता, फीमेल में चार से पांच लीटर होता है जितना शरीर होता है जितने किलोग्राम का शरीर होता है इसका लगभग सात परसेंट निकालेंगे तो लीटर में जितना आएगा उतना ही लगभग ब्लड होता है जैसे सत्तर परसेंट का कोई सत्तर किलोग्राम का कोई आदमी है तो सत्तर का सात परसेंट निकालिए जीरो गया सात सत उनचास बटे में दस यानी कि चार पॉइंट नाइन यानी कि लगभग पाँच लीटर यानी कोई व्यक्ति सत्तर किलोग्राम का है तो उसके शरीर में लगभग पाँच लीटर ब्लड होगा तो एक अंदाज़ है करेक्ट नहीं आता है लेकिन एक अंदाजा इतना मिलता है रुधिर का मापन हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है हिमोसाइटोमीटर हिमोकार्थ होता है रुधिर रुधिर का संगठन रुधिर में लिक्विड पार्ट होता है तरल भाग जो पचपन परसेंट होता है और ठोस पार्ट होता है सॉलिड पार्ट जो पैतालीस परसेंट होता है तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं और लिक्विड पार्ट को कड़ीकाए बोलता है

तीन गाय होती है आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स इसे इरीथ्रो बोलते हैं साइट्स हम लोग हम कोशिका पढ़ा चुके हैं और कोशिका हम बता रहे थे साइट्स का मतलब होता है सेल्स तो यहाँ साइट्स आया मतलब सेल्स यहाँ भी साइट्स आया मतलब सेल्स यहाँ भी आया मतलब सेल्स इरिथ्रो का मतलब होता है लाल साइंस में और लिको का मतलब होता है सफेद सफेद नहीं होता है रंगहीन होता है लिको का मतलब लेकिन साइंस में सफेद को ही रंगहीन कहा जाता है तो ल्यूको का मतलब होता है सफेद अथवा रंगहीन और थ्राम्बो का मतलब होता है थ्राम्बो का मतलब थक्का अब इसके बारे में बताएंगे तो आरबीसी क्या है रेड ब्लड सेल्स इसे बोलेंगे रिथ्रोसाइड्स डब्ल्यू बी सी क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद कड़िका है तो इसे बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स ल्यूको का मतलब सफेद या रंगहीन होता है प्लेटलेट्स को बोलेंगे थ्राम्बोसाइड्स प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा में होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स छह होते हैं छह प्रोटीन्स होते हैं प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फाइब्रनोजन हाइब्रेन ग्लोबिलुन ग्लोबिन तो दो दो का जोड़ा में एक ही टाइप का दिखता है जैसे ये दोनों एक टाइप के दिखते हैं ये दोनों एक टाइप से दिखते हैं ये दोनों एक, एक ही टाइप के नाम याद है। हैं दोनों नाम याद करने में आसानी होगी प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फाइब्रनोजन फाइब्रिन ग्लोबिलुन ग्लोबिन ये छह प्रोटीन्स प्लाज् हैं प्लाज्मा प्रोटीन जिन्हें बोलते हैं इसमें से होता है फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन ही रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है तो रक्त का थक्का बनाने के लिए यानी कि ब्लड काटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है तो फाइब्रिनोजन होता है कहाँ होता है प्लाज्मा में होता है घुलित अवस्था में गैसें होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होता है ये गैसें होती हैं घुलित अवस्था में पोषक पदार्थ होते हैं जैसे अमीनो अम्ल ग्लूकोज ग्लिसराल विटामिन कोलेस्ट्रॉल वो इत्यादि कुछ घुलित पदार्थ भी होते हैं नाइट्रोजन एक अवशिष्ट तो पदार्थ भी होते हैं जैसे अमोनिया यूरिया यूरिक अम्ल इत्यादि हम लोग स्तनधारी हैं और स्तनधारी जो है यूरिया का उत्सर्जन करता है ना तो इस पदार्थ से या अगर पक्षी है वो तो पक्षी किसका यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा तो इस प्रकार से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उत्सर्जित पदार्थ है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं अन्य पदार्थ होते हैं हार्मोन्स एंजाइम प्रतिस्कंदक पदार्थ जैसे हिप्रिन बोलते हैं हिप्रिन के कारण ही रक्त ब्लड का काटिंग नहीं कर पाता है स्कंदक पदार्थ होते हैं रक्त में प्लाज्मा रक्त में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में से अगर अस्कंदन कारक अस्कंदन का क्या अर्थ है फाइब्रिनोजन तो रक्त में से अगर फाइब्रिनोजन हाइब्रिनोजन को बाहर कर दिया जाए अगर तो उसी को बोलते हैं सीरम ये बहुत बार 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 ये पूछा जाता है सीरम क्या होता है तो सीरम क्या होता है प्लाज्मा में से ही प्लाज्मा में ही प्रोटीन्स होता है ये सभी छह छोटी होते हैं अभी हमने बताया उन छह में से हाइब्रोनोजन रक्त का लाटिंग ब्लड का या रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है तो अगर इसी को बाहर कर दिया जाए प्लाज्मा में से तो जो बचेगा उसको बोलते हैं सीरम प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का क्षारिय तरल है जो कि प्रतिरक्षा में सहायक होता है। एक तंत्र तंत्र, आएगा प्रतिरक्षा भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो हल्के पीले रंग का है और पीला क्यों होता है क्योंकि बिली रूबिन पिगमेंट पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक यानी रंग देने वाला एक होता है बिली पिगमेंट एक होता है बिली वर्डिन पिगमेंट ये दोनों लीवर द्वारा निर्माण किया जाता है दोनों लीवर निर्माण करता है बिलुरुबिन पिगमेंट का भी बिलुवर्डिन पिगमेंट का भी बिलुरुबिन रूबी यानी कि रूबिन मतलब फीता एंड या रूबी बोल सकते हैं बिल्ली बिल्ली कैसी रंग कैसे रंग का फीता लगाती है तो पीले रंग का तो बिली बिली रूबिन पिगमेंट कैसा होता है पीले रंग का होता है इसीलिए प्लाज्मा का रंग पीला होता है किसके कारण बिली रुबिन पिगमेंट के कारण इसी प्रकार से एक होता है बिली वर्डिन पिगमेंट वर्ड मतलब बिली वर्डिन वर्ड यानी कि वर्ड मतलब चिड़िया और चिड़िया में सबसे अच्छा चिड़िया होता है तोता तो तोता कैसा होता है हरा तो बिली वर्डिन पिगमेंट कैसा होता है हरा इसीलिए पित्त बाइल जूस का न, रंग हरा होता है हम लोग भोजन वाले चैप्टर में पोषण वाले चैप्टर में उसको पढ़ेंगे तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है हल्का पीला रंग होता है इसके कारण होता है बिली रुबिन पिगमेंट के कारण होता है यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखकर ताप का नियंत्रण करता है और यह बफर पदार्थों की सहायता रक्त के पीएच बनाए रक्त का पीएच बनाए रखने में सहायता करता है आगे देखते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स चार दशमलव आठ से पांच दशमलव चार मिलियन और फीमेल में होता है चार दशमलव चार से चार दशमलव आठ मिलियन एम 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 क्यूब मिलियन प्रति एम एम क्यूब मिलीमीटर क्यूब मिलियन का मतलब होता है दस लाख एक मिलियन में दस लाख होता है और इसको देख सकते हैं कितना लाख होगा संख्या में यानी कि आर में सामान्य असामान्य कमी हो जाए तो इिथ्रोपिनिया बोलेंगे हम बताए थे कि पीनिया का अर्थ होता है कमी इरिथ्रो का मतलब होता है रिथ्रोसाइटो इरिथ्रोसाइट्स किसे बोलते हैं आरबीसी को अभी दिखाए थे तो इिथ्रोसाइटोपिनिया यानी कि आरबीसी की कमी बोले हो जाएगा कब होता है एनीमिया के समय होता है या मलेरिया के समय हो जाता है इत्यादि ऐसे रोग हैं जिनमें जिनमेंथ्रोसाइटोपिनिया होता है यानी कि आरबीसी की कमी हो जाती है और आर संख्या में आरबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे इरिथ्रोसाइटो सि बोल सकते हैं सिस मिर्चा अधिक मात्रा में तो करते हैं ना तो इरिथ्रोसाइसो सि बोल सकते हैं लेकिन एक और नाम दे सकते हैं पालिसाइथेमिया बोल सकते हैं पालीसाइथेमिया है, इसके लिए एक अलग नाम देता है पालिसथेमिया या आप चाहें तो इरिथ्रोसाइटोसिश बोल सकते हैं इरिथ्रो साइटोसिश बोल सकते हैं पालीसाइथेमिया को किसी का मतलब होता है वृद्धि एक कब होता है अत्यधिक परिश्रम के समय पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक कोई परिश्रम वाला कार्य करते हैं तो आरबीसी ब्लड की मात्रा बढ़, की मात्रा बढ़ आरबीसी की जाती है मनुष्य की आरबीसी द्वि अवतलाकार अव बाइक होती है ये होता है बाइक और कंकेव के बारे में जानते होंगे एक कंकेव ये बीच में यानी कि बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ होता है ये आप देख सकते हैं आरबीसी का आकार स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है केंद्रक हम बता चुके हैं एक केंद्रक सिद्धांत का अपवाद भी है क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं आर बी सी में लेकिन इसके भी अपवाद हैं ऊँट और लामा ऊँट लामा ऊँट जैसा एक जीव है एक पशु है तो ऊँट और लामा में के आरबीसी में केंद्रक होता है ये अपवाद है बाकी किसी में स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता है आर बी सी में अगर शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाए तो किडनी के द्वारा एक हारमोन रिलीज किया जाता है जैसे बोलते हैं इरिथ्रो यहाँ शब्द आया है इरिथ्रो और हमने बताया था इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं तो इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है कौन करता है किडनी ये इरिथ्रोपोएटिन हारमोन्स क्या करता है रक्त में मिलकर अस्थिम्जा तक पहुंच जाता है और अस्थिमज्जा को एक्टिवेट कर देता है और अस्थिमज्जा को एक्टिवेट करता है तो अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण तेज गति से बनने हो, प्रारंभ होने, होने, होने लगता है यानी कि आरबीसी तेज गति से बनने लगती है यानी कि ब्लड का निर्माण होने लगता है आरबीसी में केंद्रक माइट्रोकैंड्रिया अंतर प्रद्रविजालिका गालजिकाय आदि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं इसे क्रियात्मक समूह बोलते हैं क्रियात्मक समूह क्यों क्योंकि अगर आर में ये सब केंद्रक केंद्र माइड्रोकालिका के गलजी का इत्यादि नहीं अनुपस्थित है तो क्या है फिर रक्त रिक्त स्थान है खाली जगह है और जितना जगह खाल, ज्यादा खाली जगह है उतना जगह उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन का एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन कर पाएगा और पोषक पदार्थों का परिवहन कर पाएगा आर इसीलिए इसी, इसी चीज को क्रियात्मक अनुकूलन कहा जाता है क्योंकि आरबीसी जितना ज्यादा जगह मिलेगा उसे उतना ज्यादा वो पदार्थों का परिवहन कर पाएगा आरबीसी में अनाक्षी शोषण होता है आरबीसी में हमने अभी बताया केंद्रक मतलब केंद्र माइट्रोकांडिया गलजिका इत्यादि नहीं होता है और आपने तो अगर कोशिका चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि श्वसन कहाँ होता है माइट्रोकांडिया में होता है और इसमें आरबीसी में माइट्रोकांडिया होती नहीं है तो फिर श्वसन नहीं होगा तो फिर क्या होगा अनाक्षिक श्वसन होगा अनाक्षिक श्वसन इन अरेबिक रिएक्शन होगा श्वसन अनाक्सी सुचन में अंतर क्या होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे? ग्लोबिन एक संयोगमित कंजुगेटेड प्रोटीन है इसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है ग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में एच ई एम हीमो और एक होता है ग्लोबिन हीमो का मतलब होता है आयरन कंपाउंड आयरन कंपाउंड और तो ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन हीमो भी लाल रंग का होता है और प्रोटीन भी लाल रंग कोई भी प्रोटीन रंग का होता कोई प्रोटीन रंग के होते हैं, और आगरन आगरन है और तो तो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा ये भी लाल, ये भी लाल रंग का हो जाएगा और इसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है हमने बताया पोएसिस शब्द जहां भी आए उसका मतलब होता है निर्माण पहले ही बता चुका हूं तो आरबीसी का उत्पादन या आरबीसी का निर्माण होता है यानी कि आरबीसी का, मतलब का निर्माण कैसे होता है आप है? जानते हैं गर्भावस्था नए महीने का होता है तो प्रथम तीन महीने में भ्रूणी झिल्ली में आरबीसी का निर्माण होता है और अंतिम छह महीने में यकृत अथवा प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है दरअसल प्लीहा जिसे स्प्लीन बोलते हैं अथवा तिल्ली बोलते हैं तो प्लीहा में स्प्लीन स्प्लिन तिल्ली में क्या होता है आर बी सी स्टोर कर दी जाती स्टोर हो जाती है जैसे अगर हम सोते हैं अगर हम सो जाते हैं तो उस समय कुछ काम तो कर नहीं रहे होते हैं तो हम हमें ब्लड की बहुत कम जरूरत पड़ती है आर बी सी की थोड़ी सी कम बहुत नहीं लेकिन थोड़ी कम जरूरत पड़ती है तो उस समय थोड़ी कम जरूरत पड़ती है तो आर बी सी कहाँ चली जाती है प्लीहा में स्टोर कर ली जाती है और अभी हम कोई कठिन कार्य करने लगे या पहाड़ वहाड़ पर चल चढ़ने लग जाएँ तो उस समय क्या होता है आर बी सी की अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है तो आर बी सी कहाँ से आती है लिहा से आ जाती है वापस आती है और हमारे हमें को प्राप्त हो जाती है और आर का निर्माण भी होता है रिथ्रोपाइपोटोसाइसिन अभी हमने पीछे दिखाया था जो किडनी द्वारा रिलीज किया जाता है हार्मोस के उसके द्वारा आर का जीवन काल एक दिन का होता है इसके बाद आर बी सी की मृत्यु हो जाती है और कहाँ होती है मृत्यु प्लीन स्प्लीन में नष्ट किया जाता है इसको इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को आर का कब्रिस्तान बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आर बोलते हैं आरबीसी के अधिक मात्रा में बनाने बनाने पर इसे प्लीहा में स्टोर किया जाता है अभी हमने बताया प्लीहा में स्टोर किया जाता है जरूरत पड़ने पर प्लीहा से मिल भी जाता है रालेक्स निर्माण क्या है रालेक्स का अर्थ होता है सिक्का रालेक्स का सामान्य अर्थ होता है सिक्का तो यदि रक्त की गति धीमी हो जाए रक्त धीमी गति से बहे इसी कारण उसकी गति धीमी हो जाए यानी कि अथवा धीमी ना हो स्थिर अवस्था में आ जाए या तो स्थिर अवस्था में धीमी हो जाए तो क्या करता है आरबीसी बी फाइब्रोनोजन की सहायता से एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है फाइब्रोनोजन ही रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है ना तो एक दूसरे के ऊपर के सहायता से सिक्कों रूप में व्यवस्थित हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये सब आर चार आरबीसी आपको दिख रही है और सब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो गई है इसी को बोलते हैं रोलक्स निर्माण हिमोक्रेट्स आयतन एच वीवी एच सी वीमोक्रेट्स वॉल्यूम कि आयतन क्या होता है आरबीसी का आयतन बटे में कुल रुधिर का आयतन गुडेसाव ये होता है हीमोक्रेट्स आयतन यानी कि आरबीसी का आयतन बटे में कुल रुधिर का आयतन गुडेसाव यानी कि कुल मिलाकर कहें तो कुल रुधिर का कितना परसेंट आरबीसी है उसी को बोलते हैं हिमोक्रेट्स आयतन एच सी के कार्य क्या है ऑक्सीजन का परिवहन करना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जब ऑक्सीजन आकसी, का परिवहन करता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कहां जुड़ता है हीमोग्लोबिन में घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन करता है तो उसे कार्बोएमिन कार्बोमो हीमोग्लोबिन बोलते हैं या कार्बोक्स हीमोग्लोबिन बोलते हैं और रक्त समूह का निर्धारण करने में भी आरबीसी का कार्य है क्योंकि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन से ही रक्त का रक्त समूह ग्रुप ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है अभी इसके बारे में देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइड से सामान्य संख्या इनकी छह से आठ सौ मिली सॉरी छ सौ नहीं छः हजार है छ हजार होती है छः हजार से आठ हजार प्रति है असामान्य अगर कमी हो जाए तो इसे लिकोसाइटोपिनिया बोलते हैं पिनिया का मतलब हमने बताया था और यह होता है एड्स और विषाणु संक्रमण के, तो के समय में असामान्य वृद्धि हो जाए तो इसको ल्यूकेमिया एलर्जी और जीवाणु संक्रमण के समय ल्यूकोसाइटोसिस होता सि वृद्धि डब्ल्यू बी सी अनियमित अमीबी आकार की होती है यानी कि इसका आकार अनियमित होता है एक होता है डायपीडिस अनियमित आकृति के कारण हमने बताया अभी कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यू का आकार अनियमित होता है नियमित नहीं होता है तो अनियमित आकृति के कारण डब्लू कई बार रक्त नलिकाओं से बाहर अंतर्कोशी के स्थान में रक्त नलिकाओं के बाहर अंतर्कोशीय के स्थान में आ जाती है क्यों क्योंकि उसके आकार नियमित नहीं है ना तो पता चलेगा कि ऐसी अभी ऐसे हो जाएगी तो उसके वो नलिकाओं के बाहर अंतरकोशी के स्थान में पहुंच जाएगी तो इसे इसी को बोलते हैं डायापेडिस

केंद्रक बड़े आकार का होता है और कणिकी डब्ल्यू बीसी ग्रेन जिस पर कणिकाएं होती है जिनका केंद्रक छोटे आकार का होता है तो दो दो प्रकार प्रकार के की ये होती है लिम्फोसाइट्स और और मोनोसाइट्स तीन प्रकार की होती है योसिनोफिल्स बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तो इस प्रकार से कोई कहे की डब्ल्यूबीसी पांच प्रकार की होती है तो वो डायरेक्ट यहाँ से बता रहा होगा यानी कि लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स मोनोसाइडिनोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स तो इस प्रकार से डाब्लू का विभाजन है यह आप देख रहे हैं लिंफोसाइट्स ये मोनोसाइट्स ये इोसिनोफिल्स ये बेसोफिल्स और ये न्यूट्रोफिल्स इनोफिल्स में डब्लू उसका केंद्रक दो लोब्स में बटा होता है आप ये देख रहे हैं यहां पर दो लोब्स दो लोब्स में केंद्रक बटा होता है बेसोफिल्स में तीन लोब्स में केंद्रक बटा होता है तीन लोब्स आपको यहां दिख रहा है तीन लोब्स में केंद्रक बटा होता है और न्यूट्रोफिल्स में पांच लोब्स लिंफोसाइट आप देख सकते है हैं मोनोसाइट देखते हैं अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो मोना डार्लिंग सबसे बड़ी होती है मोना जो भी आपका हो मोना मुझे नहीं पता कौन है लेकिन मोना जो भी है मोना सबसे बड़ी होती है लंबी होती है ना आप भी लंबी ढूंढते हैं तो मोना सा मोनोसाइड जो होती है सबसे लंबी होती है अब सबसे अधिक मात्रा में कौन होती है तो न्यूट्रोफिल्स होती है जो न्यूट्रल होती है सबसे अधिक मात्रा में होती है न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में होती है और डब्ल्यू बी सी केंद्र बड़े आकार का तथा इसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म स्वच्छ होता है ये दो प्रकार की होती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स अभी दिखाए हम लिम्फोसाइट्स कुल डब्ल्यू का 20 से 25 परसेंट होती है जबकि कुल डब्लू का 2 से 10 परसेंट मोनोसाइट्स होती है लिम्फोसाइट अगतिशील होती है नॉन मोटाइल होती है तथा अभक्शकाड़ू यानी मोनोफे नॉन फैगोसाइट्स होती है यानी भक्षण नहीं करती है ये जबकि मोनोसाइट्स गतिशील होती है तथा एंटीजन का भक्षण करती है ये लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट इसके बारे में हम लोग जब न, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम तो उस समय इसका जरूरत पड़ेगी टिम्पो लिम्फोसाइड और बिलिम्फोसाइड्स की तो उस समय इसके बारे में कार्य देखेंगे मोनोसाइट्स ये सबसे बड़े आकार की डब्ल्यू बी सी अभी हमने बताया कि मोना डार्लिंग सबसे लंबी होती है सबसे बड़ी होती है कोशिकी डब्ल्यू बी सी ये पाली लोब्स में विभक्त होती है एवं कोशिका में विशेष कणिकाएं पाई जाती है इसीलिए तो इसे कणिके बोलते हैं तीन प्रकार की होती है इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स योसिनोफिल्स डब्बू बी सी का एक से दो परसेंट होती है बेसोफिल्स जीरो से एक परसेंट और न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है हमने बताया साठ से पैंसठ परसेंट अकेले न्यूट्रोफिल्स ही होती है सबसे अधिक यही होती है केंद्रक में योसिनोफिल्स केंद्रक में दो लोग होते हैं <coughs> मैंने दिखाया अभी बेसोफिल्स में तीन लोग होते हैं और न्यूट्रोफिल्स में पाँच लोग अथवा इससे भी अधिक लोग होते हैं योसिनोफिल्स अम्लीय अभिरंजन इोसिन नामक का योसिन नाम से अम्लीय अभिरंजन योसिनोफिल्स के लिए आता है और मिथाइल ब्लू नाम से अभी अम्लीय अभिरंजक क्षारीय अभिरंजन बेसोफिल्स के लेता है दरअसल बेस का मतलब होता है क्षार बेस से ही बेसोफिल्स बना है बेस तो बेस का मतलब होता है क्षार तो क्षारीय अभिरंजन इसके लिए होगा इसके लिए अम्लीय अभिरंजन और इसके लिए क्षारीय अभिरंजन बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स ये अम्ली और क्षारीय ये न्यूट्रल है ना तो न्यूट्रल है इसलिए अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से रंजित होता है ये फिल्स जो है इोसिनो इसमें शब्द है इोसिनो यानी कि एसिड एसिड से ये एसिड है अम्लीय अभिरंजन से ये अभिरंजित होगा और कौन सा अम्लीय अभिरंजन इसके लिए होगा इसी के नाम वाला इोसिन नाम का अभी अम्लीय अभिरंजन ये बेस है शब्द है बेस मतलब छार तो छारी अभिरंजन कौन सा मिथाइल ब्लू और ये न्यूट्रल है तो इसमें दोनों काम करेगा अम्लीय अभिरंजन भी और छारी अभिरंजन भी यूसिनोफिल्स एलर्जी व संक्रमण में इसकी संख्या में वृद्धि होती है बेसोफिल्स एलर्जी के समय सिस्टा सिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्रावण करती है कौन बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स संक्रमण में इनकी संख्या में वृद्धि होती है लिंग परीक्षण में सहायक है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग परीक्षण में कौन सी सहायक है तो न्यूट्रोफिल्स सहायक है न्यूट्रोफिल्स आपको हमने ये वाला ना याद करें परसेंटेज ना याद करें चलेगा इसका परसेंटेज याद करना पड़ेगा न्यूट्रोफिल्स का उसके बाद केंद्रक में लोब्स कितने हैं उसके बाद ये इसके लिए कौन सा अभिरंजन है इसके लिए अमली है इसके लिए छारी है इसके लिए दोनों है इसमें आप ये ना याद करें चलेगा लेकिन इसके लिए, लिए, लिए लिंग परीक्षण में कौन सा है सहायक है इसके लिए बताना पड़ेगा न्यूट्रोफिल्स सहायक है क्यों सहायक है क्योंकि मादाओं में न्यूट्रोफिल्स जो है केंद्रक के पास ड्रम जैसी एक संरचना देती है मादाओं में एक न्यूट्रोफिल्स केन्द्र के पास जी देती ड्रम जैसी संरचना है जिसे बार काय बोलते हैं बार बडी ड्रम जैसी संरचना को बार काय या बार बडी बोलते हैं कौन देता है न्यूट्रोफिल्स देती है तो लिंग परीक्षण फिर कैसे किया जाता है इसी प्रकार आधार पर लिंग परीक्षण किया जाता है कि जहां बार बडी मिलेगा यानी कि जिस गर्भ में बार बडी आपको मिल जाएगा बार काय मिल जाएगा तो बार काय अगर मिल जाएगा तो आप समझ लेंगे कि वो फीमेल्स है क्योंकि मादाओं में मादाओं में यह संरचना पाई जाती है बार बड़ी वाली बारकाय वाली अगर बार का नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो मेल्स है, इसके अंदर बच्चा मेल का है। बार संख्या, संख्या, संख्या माइनस वन एक्स गुणसूत्रों की संख्या माइनस वन महिला में एक्स गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है एक्स एक्स होती है यानी कि दो माइनस तो एक मिल जाएगा बारकाय की संख्या एक्स महिलाओं में क्या होता है चवालीस प्लस एक्स एक्स होता है महिलाओं में और पुरुषों में होता है चौवालिस प्लस एक्स वाई इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे महिलाओं में एक्स की संख्या दो होती है तो यहाँ बार का क्या मिलेगा एक्स गुणसूत्रों की संख्या माइनस एक यानी कि दो माइनस एक बराबर एक एक बार का मिल जाएगा फीमेल में और पुरुषों में चौवालिस प्लस एक्स वाई होता है यानी कि एक्स गुणसूत्र कितने हैं सिर्फ एक ही है तो बारकाय संख्या की संख्या बराबर क्या होगी एक्स गुणसूत्रों की संख्या माइनस वन यानी मिलता है और महिलाओं में एक मिलता है इस बात को हमने यहां भी बता दिया मादाओं के पास एक ड्रम जैसी संरचना पाई जाती है बारकाय बोलते हैं तो मादाओं में एक मिलती है पुरुषों में नहीं मिलती है एक भी इसी आधार पर लिंग परीक्षण कर लिया जाता है डब्ल्यू बी सी के उत्पादन लिकोपोएसिस डाब्लू बी सी का उत्पादन पोएसिस का मतलब होता है उत्पादन हम बता चुके हैं पहले ही लिम्फोसाइट्स का उत्पादन लिम्फ ग्रंथियों लिम्फ नोड थाइमस प्लीहा आंतों के पेयर्स पेचर्स और अस्थि मज्जा में होता है लिम्फोसाइट्स का निर्माण मोनोसाइट्स एवं सभी ग्रेनोसाइट्स मोनोसाइट एवं सभी ग्रेनोसाइड योसिनोफिल्स बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है यानी कि लिम्फोसाइट्स को छोड़कर बाकी सभी डब्ल्यू का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है लेकिन लिम्फोसाइट्स का यह इसका कहाँ होता है इसका अस्थि मज्जा में भी होता है लिम्फ नोड्स में भी होता है थाइमस में भी होता है पलिया में भी होता है कई जगह होता है डब्ल्यू का जीवन काल लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स और ग्रेनोलिकोसाइट्स सबका अलग अलग होता है लिम्फोसाइट का जीवन काल कई वर्षों का होता है इसीलिए लिम्फोसाइट्स के दो भाग हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स और जो प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनका जीवन काल कई वर्षों का होता है ना इसलिए इसलिए अगर आप इंजेक्शन लेते हैं वो अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन कई वर्षों तक तो वो कार्य करता रहता है क्योंकि डब्ल्यू बी सी का जीवन लिंफोसाइड का जीवन काल कई वर्षों का होता है और लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र में अभी नहीं देखेंगे लिम्फोसाइट्स का जीवन काल कई वर्षों का होता है मोनोसाइट्स इसका जीवन काल सिर्फ कुछ घंटे का होता है यानी कि एक दिन से भी कम होता है और ग्रेनी जिसमें यूसिनोफिल्स बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं उनका जीवन काल सात से दस दिन का होता है बिम्बाणु प्लेटलेट्स सामान्य संख्या इनकी दो से पाँच लाख होती है जीवन काल सात से दस दिन का होता है और असामान्य कमी को थ्राम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे डेंगू के समय होता है असामान्य वृद्धि को थ्राम्बोसाइटोसिस बोलेंगे रक्त नलिकाओं में ही रक्त का थक्का जमना उस समय होता है असामान्य वृद्धि होती है प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है चोट लगने पर चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जमा देना जब चोट लगता है तो चोट बहना बंद हो जाता है जब चोट लगता है तो ब्लड निकलने लगता है और दो चार मिनट के बाद बनना बंद हो जाता है कैसे बंद होता है क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है कौन बनाता है प्लेटलेट्स बनाता है क्योंकि इसके पास प्रोथ्रम्बी नामक हारमोन्स होता है ना इसलिए ये प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का बना देता है ब्लड क्लाटिंग कर देता है और जिसमें ब्लड क्लाटिंग नहीं होता है उसी को शाही बीमारी होती है ह्यूमन डिजीज वाले मानव मानव रोग वाले चैप्टर में हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं इसके अलावा ये रक्त को गाढ़ा बनाने में भी सहायक है प्लेटलेट्स इसकी सामान्य आकृति ऐसी होती है

पाँच से आठ मिनट में चोटग्रस्त तो तो स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है पाँच से आठ मिनट पाँच मिनट से भी कम समय लगता है इतना समय नहीं लगता है दो से चार मिनट में ही रक्त का थक्का बन जाता है दो से चार मिनट में ये कैसे बनता है इसके बारे में हम नहीं समझाएंगे क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है और उतना हमें जरूरत नहीं हम वो लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितने की हमें ज़रूरत है रक्त स्कंदन ब्लड क्लाटिंग में कई कारक भाग लेते हैं जैसे

एक सिरा होती है और एक के शिकाएं होती है रुद्रीवाहिकाओ में ही रक, रक्त रक्त प्रभावित होता है ये तीन होती है अभी मैंने बताया और हम पीछे अभी इसी चैप्टर में बता चुके हैं कि रसगुल्ले है। के लिए जो सिरा बनता है है उसमें चीनी चीनी होती है। चीनी में कार्बन होता है और कार्बन अशुद्ध कर देता है तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है कैशिकाएं क्या कै करती है कैसीिकाए कुछ नहीं करती है एक सिरा को एक धमनी से जोड़ती है साकेट का काम करती है दो तो पाइप है एक पाइप है यहाँ पर और एक पाइप यहाँ है दोनों पाइप को जोड़ना है तो एक साकेट चाहिए तो एक, उसी प्रकार से एक सिरा और एक धमनी को जोड़ना है तो एक साकेट चाहिए जिसे केशिकाएं बोलते हैं कैपलरीज बोलते हैं अब धमनी और सिरा में अंतर देखते हैं धमनी और सिरा धमनी में हमने बताया शुद्ध रक्त बहता है शुद्ध रक्त को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं पल्मोनरी धमनी हमने बताया कि जब भी पुलमोनर शब्द आया तो उल्टा हो जाता है यानी कि पुलमोनरी धमनी में शुद्ध रक्त बहाने लगेगा अशुद्ध रक्त बहने लगेगा सामान्य परिस्थिति में धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पुलमोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा सिराओं में सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है डी ब्लड बहता है लेकिन पल्मोनरी आया

धमनियों में शुद्ध रक्त भाता है जब धमनियों में शुद्ध रक्त व शुद्ध रक्त क्या होगा सभी अंगों को दे दिया जाएगा तो हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती है ये कौन धमनी धमनी इनकी दीवारें मोटी होती है क्योंकि वेंट्रिकल यानी कि नीला जब सिकुड़ता है तो धमनियों पर दबाव पड़ता है और उसी धमनियों के दबाव को तो ही बीपी बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर हम बता चुके हैं अभी तो इनकी दीवारें इसलिए मोटी होती हैं धमनियों की और सिराओं में ऐसा दबाव नहीं पड़ता इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं हृदय धड़कन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ प्रभावित होता है धमनी में जो है धमनी में रुधिर कैसे प्रभावित होता है जब नीला सिकुड़ता है जब नीला सिकुड़ता है तब फटाक से रुधिर जाता है धमनियों में तो इसलिए रुक रुक कर दबाव के साथ इसमें बहता है रुधिर और चीराओं में क्या होता है सभी अंगों से आराम से ब्लड आता है और राइट आरिकल में राइट आर्ट्रियम में गिर जाता है तो इसमें रुदिर के बहावी गत, धीमी, गति धीमी होती है और एक समान होती है सिराओं में तो धमनी क्या होती है खाली होने पर भी चिपकती नहीं है क्योंकि इसमें अभी ब्लड भरा रहता है ना इसलिए चिपकती नहीं है लेकिन सिराएं अगर खाली हो जाए तो चिपकने लगती है धमनियों का रंग गुलाबी होता है यहाँ गुलाबी से, रंग से भी लिखा गया है तो धमनियों का रंग गुलाबी होता है और सिराओं का रंग हरा होता है इस समय गोधना कुटा जा रहा है ना गोधना तो धमनी धना से धमनी रंग गौ से गुलाबी तो गुलाबी रंग किसका होता है धमनियों का और इनका रंग यानी कि सिराओं का रंग हरा बैगनी होता है सिराएं आपको ऊपर ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे ऐसे देखेंगे तो यहाँ आपको हरा हरा कलर की सिरा देखने को मिल जाती है वेन देखने को मिल जाती है जिसे नस बोलते हैं नस ये प्राय धमनी जो है प्रात तथा त्वचा से दूर गहराई में होती है इसीलिए ये दिखाई नहीं देती है जबकि सिरा जो नस बोलते हैं वो त्वचा के समीप होती है इसलिए वो दिखाई देती हैं ये है, है? पतली रक्त नलिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों में प्रवेश कर कई शाखाओं में बढ़ जाती है ये धमनिया सिराओं को जोड़ने का कार्य करती है अभी हमने बताया ये आर्टरी है धमनी ये वेन है सिरा इनका रंग गुलाबी होता है इनका रंग नीला हरा होता है और ये कैपिलरीज धमनी है जो कई भाषा खाम बढ़ जाती है एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है नाड़ी दर पल्स रेट बोलते हैं ना कि नाड़ी देख के रोग बताने वाले जो होते हैं रोड पर माइक लगा के और टेंट लगा के चिल्लाते हैं कि नाड़ी देख के रोड रोग बताएंगे या नाड़ी देख के जो रोग बताया जाता है तो वही नाड़ी दर है ये रेडियल धमनी में मापते हैं नाड़ी दर नाड़ी देख के जो रोग बताना है इसे तो वो नाड़ी कहा मिल, मिलती है रेडियल धमनी में तो नाडी दर रेडियल धमनी मापते हैं और बीपी तो ब्लड प्रेशर ब्रेकिअल धमनी मापते हैं बीसा बी बी बीपी तो ब्लड प्रेशर धमनी में है हैं और नाड़ी दर पल्स रेट रेडियल धमनी में मनापते हैं हृदय धड़कन का असामान्य रूप से तेज होना टेकी कार्डिया कहलाता का है और हृदय धड़कन का असामान्य रूप से धीमा होना ब्रेडी कार्डिया कहलाता है ब्रेडी मतलब ब्रेक टूटना यानी कि कम हो जाना टूटना मतलब कम हो जाना तो ब्रेडी कार्डियल कहलाएगा और तेज हो जाना त तो से तेज टी से तेज और टी से टेकी टी टी से तेज टी से टेकी यानी कि टेकी कार्डिया आएगा। मतलब हृदय प्लीहा स्प्लीन आरबीसी को नष्ट यहीं पे किया जाता है प्लीहा में पीछे बता चुका हूं अभी एंटीजन का भक्षण प्लीहा में ही किया जाता है ब्लड बैंक का बॉडी प्लीहा को ही बोलते हैं क्योंकि आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो प्लीहा में स्टोर किया जाता है और जब हमें जरूरत पड़ती है तो प्लीहा से ही आरबीसी मिल जाती है जैसे मेहनत का काम करने पर अथवा तो सोते समय कम आरबीसी की जरूरत पड़ती है तो प्लीहा में स्टोर कर ली जाती है हमने बताया भ्रूण इम्रो में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में ही होता है उसके बारे में भी हमने बताया कि तीन महीने तक झिल्ली में होता है उसके बाद भ्रूण में होता है छह महीने तक बीमारियों के समय फेफड़ों की ध्वनि को क्रेपिटेशन तथा आंतों की ध्वनि को बार में कहते हैं दो शब्द आते हैं एक क्रेपिटेशन ये बीमारियों के समय फेफड़ों की ध्वनि होती है क्रिपिटेशन फेफड़ों की ध्वनि को क्रेपिटेशन बोलते हैं और आंतों की ध्वनि को बोलते हैं में बोलते हैं अब, हैं, अब देखते हैं ब्लड समूह रक्त समूह ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम एक सिस्टम आता है एबीओ सिस्टम एबीओ ए बी ओ का मतलब यहां से सब बन जाएगा ए ग्रुप बी ग्रुप ए बी ग्रुप ओ ग्रुप सब बन जाएगा इसे एबीओ सिस्टम बोलते हैं यहाँ पर है

अवतलाकार होती थी ना ऐसे तो इसके सरफेस एरिया पर ही एंटीजन मिलता है और उस वही ब्लड ग्रुप का कर निर्धारण करता है यानी कि जिस टाइप का एंटीजन मिलेगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा और उसके विपरीत टाइप का एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में एंटीबॉडी कहाँ मिलता है प्लाज्मा में मिलता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीजन कहाँ मिलता है तो आर के सरफेस एरिया पर मिलेगा और एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी मिलेगा एंटीजन क्या करता है एंटीजन मिलता कहाँ आरबीसी के सर्वे सीरिया पर यहीं ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है एंटीबॉडी कहाँ मिलता है प्लाज्मा में मिलता है ये प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र में इसे दोबारा पढ़ेंगे रक्त समूह जो हैं ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप होते हैं ए ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा हमने अभी बताया कि आर के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन मिलता है वही ब्लड ग्रुप होता है तो ए टाइप का अगर एंटीजन मिलता है तो ए ब्लड ग्रुप होगा बी टाइप का एंटीजन मिलता है तो बी ब्लड ग्रुप होगा ए बी टाइप ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन मिलता है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा और कोई एंटीजन में नहीं मिलता है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा ओ मतलब जीरो और अभी यह भी बताया कि जिस टाइप का ब्लड ग्रुप होता है उसके उल्टे टाइप उसके विपरीत टाइप का

एंटीजन को कैपिटल कैपिटल दर्शाते हैं और एंटीबॉडी को स्माल दर्शाते हैं आगे देखते हैं इसके बारे में ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी डोनेट किसको करेगा और रिसीव किसका करेगा यानी कि ब्लड जब देते हैं किसी को ब्लड देते हैं तो उसको चेक किया जाता है ना सब ए ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या मिलेगा ए मिलेगा एंटीबॉडी क्या मिलेगा इसके विपरीत मिलेगा तो बी एंटी बी मिलेगा हमने बताया एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर्स दर्शाते हैं बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन मिलेगा और ए एंटीबॉडी मिलेगा एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर्स दर्शाए हैं और उल्टा मिलता है ए है तो बी मिलेगा बी है तो ए मिलेगा ए बी ग्रुप है तो ए और बी दोनों एंटीजन होंगे तभी ए बी ग्रुप है और इसमें एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी ब्लड ग्रुप है यानी कि जीरो तो उसमें कोई एंटीजन नहीं मिलेगा तभी तो ब्लड ग्रुप वो है और एंटीजन कोई अगर नहीं मिलेगा तो एंटीबॉडी दोनों मिल जाएगी आपको ए और बी दोनों अब डोनेट इसको किसको करेगा यानी कि ब्लड अगर देना होगा तो किसको देगा मान लीजिए ए फार एप्पल और बी फार बनाना मान लीजिए एक एप्पल है एक एप्पल है सेब और एक है बनाना केला तो सेब और केला एक ऐसा व्यक्ति है जो एप्पल सिर्फ एप्पल खाता है एक ऐसा व्यक्ति है सिर्फ बनाना खाता है एक ऐसा व्यक्ति है जो एप्पल भी खाता है बनाना भी खाता है दोनों खाता है और एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं खाता है हवा पीके रहता है कुछ नहीं ये खाता है तो एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ एप्पल खाता है जो सिर्फ क्या खाता एप्पल खाता है एफर एप्पल तो वो किसको दे पाएगा यानी किसके घर जा सकता है उसके घर जा सकता है जिसके घर में एप्पल हो अथवा जिसके घर में एप्पल और बनाना दोनों हो एप्पल और बनाना दोनों होगा तो बनाना छोड़ देगा और एप्पल खा लेगा बी के पास नहीं जा सकता क्योंकि बी के पास बनाना है तो इसके पास नहीं जा सकता है ओ के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके ओ के पास तो कुछ है ही नहीं तो इसके पास नहीं जा सकता है तो ए ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है एक और ए बी को डोनेट कर सकता है उसी प्रकार से बी ग्रुप इसके पास क्या है बनाना है केला है ये बनाना खाता है तो किसके घर जा सकता है उसके घर जा सकता है जिसके पास बनाना हो या उसके घर जा सकता है जिसके पास दोनों हो दोनों होगा तो एप्पल छोड़ देगा बनाना खा लेगा क्योंकि बनाना खाता है ना और इसके घर जिसके पास एप्पल हो तो उसके घर नहीं जा सकता है क्योंकि एप्पल खाता ही नहीं है तो बनाना खाता है ना और जिसके घर कुछ नहीं है वो उसके पास घर तो क्या करने जाएगा यानी कि बी ग्रुप बी ग्रुप को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ए बी ग्रुप को भी डोनेट कर सकता है अपना ब्लड इसी प्रकार से ए बी ग्रुप है इसके ये एप्पल भी खाता है बनाना भी खाता है दोनों खाता है तो ए दोनों खाता है मतलब कि एक खाने से इसका पेट नहीं भरता दोनों खाने का मतलब ये है एक खाने से इसका पेट नहीं भरता है जब दोनों खाता है मिक्स करके तभी इसका पेट भरता है तो इसके घर जाएगा जिसके पास एप्पल और बनाना दोनों हो तभी जाएगा अगर ए के पास जाएगा तो ए के पास सिर्फ एप्पल मिलेगा बनाना ही मिलेगा तो इसका पेट नहीं भरेगा बी के पास जाएगा तो सिर्फ बनाना मिलेगा एप्पल नहीं मिलेगा तो इसका पेट नहीं भरेगा और ओ के पास जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा तब तो पेट क्या भरेगा तो उसी के घर जाएगा जिसके पास एप्पल और बनाना दोनों हो क्योंकि ये दोनों खाता है ना ओ ग्रुप तो कुछ नहीं खाता है हवा पी के रहता है जब कुछ नहीं खाता हवा पी के रहता है तो किसी के घर जा सकता है क्योंकि वो चाहे कुछ भी खाता हो जिसके घर जाता है वो कुछ भी खाता हो ये यदि का तो कुछ खाना नहीं जाएगा सिर्फ सोना है तो किसी के घर जा सकता है यानी कि ओ ग्रुप ए को भी ब्लड डोनेट कर सकता है बी को भी ए बी को भी और ओ को भी सबको डोनेट कर सकता है अब रिसीव किसका करेगा समस्या यह है यानी किसका स्वागत करेगा किसको लेगा किसका ब्लड ग्रुप ये ले सकता है ए ग्रुप वाला बी ग्रुप वाला जो भी है यानी कि हम इस प्रकार से याद करें कि अपने घर आने पर किसका स्वागत करेगा किसको रिसीव करेगा ये तो ए ग्रुप एक एप्पल खाता है ना तो उसका स्वागत करेगा जो या तो एप्पल खाता है या तो कुछ नहीं खाता है अगर एप्पल खाता है तो ये खुद एप्पल खाता है तो खिला देगा एप्पल कोई दिक्कत नहीं है और वो वो वाला आएगा तो वो वाला तो कुछ खाता ही नहीं हवा पी कर आता है तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अगर बी वाला आ जाए तो केला मांगेगा ना और ये एप्पल खाता है बनाना नहीं खाता है तो बी ग्रुप को नहीं बुलाएगा अगर ए बी आ जाए तो बनाना और एप्पल दोनों खाता है, एक से पेट नहीं भरता उसको और सिर्फ एप्पल खाता है बनाना इसके पास नहीं है तो इसको भी नहीं बुलाएगा यानी कि स्वागत किसका करेगा ए का और ओ का इसका मतलब कि ए ग्रुप किसका ब्लड रिसीव कर सकता है किसका ब्लड ले सकता है तो ए ग्रुप का ले सकता है और ओ ग्रुप का ले सकता है इसी प्रकार से बी बी ग्रुप है बी यानी कि बनाना खाने वाला आदमी है तो बनाने वाले को स्वागत कर लेगा उसका भी स्वागत कर लेगा जो कुछ नहीं खाता है लेकिन एप्पल खाने वाला का स्वागत नहीं करेगा किसको इसके पास एप्पल नहीं है और दोनों खाने वाले का स्वागत भी नहीं करेगा क्योंकि इसके पास सिर्फ बनाना एप्पल नहीं है यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकता है और ओ वाले से भी रिसीव कर सकता है उसी प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप है एप्पल और बनाना दोनों खाता है ये अब दोनों खाता है तो इसके पास ये एप्पल वाले को भी स्वागत करेगा इसके पास एप्पल है इसके बाद बनाना भी है तो बनाना का भी स्वागत करेगा दोनों खाने वाले का भी स्वागत करेगा क्योंकि इसके पास दोनों है इसके पास दोनों है एप्पल भी और बनाना भी इसलिए दोनों का स्वागत करेगा तो जो कुछ नहीं खाता उसका तो स्वागत तो कर ही लेगा क्योंकि उसको तो पा सिर्फ सोना है कुछ खाना नहीं है ओ ग्रुप वाला इसके पास कुछ है ही नहीं ये हवा पिके रहता है इसके पास कुछ खाता ही नहीं है हवा पी के रहता है तो कुछ रखता नहीं है तो ये किसी का स्वागत नहीं करेगा सिर्फ उसी का स्वागत करेगा जो कुछ ना खाता हो जो हवा पिके रहता है उसी का स्वागत करेगा बाकी किसी का स्वागत नहीं करेगा क्योंकि ए वाला आएगा तो एप्पल मांगेगा कहाँ से देगा इसके पास कुछ नहीं है बी वाला आएगा बनाना मांगेगा इसके पास कुछ नहीं है और ए बी वाला आएगा तो एप्पल बनाना दोनों मांगेगा और इसके पास तो कुछ नहीं है ना तो इसका भी स्वागत नहीं करेगा तो एप्पल वाला ये इसके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ ओ ग्रुप का स्वागत करे यानी कि ओ ग्रुप सिर्फ ओ ग्रुप का ही ब्लड ले सकता है तो इसका मतलब ये है इस प्रकार से ए बी क्या होगा सार्वत्रिक ग्राही हो गया ए बी क्या होगा गया ए बी क्या होगा ए ए बी ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही हो गया यानी कि सबको रिसीव कर लेगा ए ग्रुप बी ग्रुप और ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप सबको रिसीव कर लेगा सार्वत्रिक ग्राही ओ ग्रुप सार्वत्रिक दाता होगा यूनिवर्सल डोनेटर होगा डोनर होगा यानी सबको दे सकता है ओ ग्रुप क्या होगा सबको दे सकता है सबको यानी कि सबके घर जा सकता है क्योंकि तो कुछ नहीं खाता पी के रहता है तो सबको घर जा सकता है लेकिन अपने घर नहीं आने देगा क्योंकि क्या खिलाएगा ये तो कुछ खाता ही नहीं नहीं एप्पल खाता है बनाना खाता है रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने वाले व्यक्ति का एंटीजन चेक करते हैं कि वो उसका एंटीजन किस प्रकार का है क्योंकि एंटीजन से ही पता चलता है ना कि वो उसका ब्लड ग्रुप क्या है और लेने वाले व्यक्ति का एंटीबॉडी चेक करते हैं क्योंकि एंटीबॉडी ही प्रतिरक्षा का कार्य करती है इसका चेक किया जाता है एंटीजन तथा तो एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होना चाहिए जैसे ए टाइप का एंटीजन है तो ए टाइप का एंटीबॉडी भी नहीं होना चाहिए इस प्रकार से कभी भी समान नहीं होना चाहिए अगर ब्लड ब्लड ग्रुप अगर गलत लेंगे तो अंदर ही तुरंत रक्त का थक्का बन जाता है इसलिए ब्लड गलत ब्लड ग्रुप लेने से समस्याएं हो जा सकती हैं आर एच फैक्टर क्या होता है इसकी खोज कार्ल कारलर ने, ने करी थी आर एच फैक्टर खोज सीसस मका का एक प्रजाति का बंदर है एक प्रकार का बंदर है सीसस मका का प्रजाति इसी बंदर में सबसे पहले आर एच फैक्टर खोज करी गई थी RBC के सरफेस पहचान करता है तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर एक और एंटीजन होता है जिसे डी एंटीजन बोलते हैं बड़ा डी होता है एंटीजन को कैपिटल्स दिखाते हैं ना तो डी एंटीजन आरबीसी के सरफेस एरिया पर डी एंटीजन होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है आर फैक्टर के लिए तो जिस पर डी एंटीजन होता है उसका प्लस होता है और जिस पर डी एंटीजन नहीं होता है उसका ब्लड ग्रुप माइनस होता है जैसे ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस इस प्रकार से नेक्स्ट है आर एच प्लस आर एच प्लस मतलब आर एच का मतलब आर एच फैक्टर आर एच का मतलब आर एच फैक्टर अगर पेस्ट प्लस है यानी कि डी एंटीजन उपस्थित है तो वो किसको अपना ब्लड दे सकता है जिसके पास डी एंटीजन हो आर एच प्लस को दे सकता है आर एच प्लस है यानी कि डी एंटीजन जिसमें है तो किसका किसका ब्लड ले सकता है उसका ले सकता है जिसके पास डी एंटीजन है अथवा उसका ले सकता है जिसके पास डी एंटीजन नहीं है उसका भी ले सकता है आर एच माइनस जिसके पास डी एंटीजन नहीं है वो किसको दे सकता है आर एस माइनस को दे सकता है अगर नहीं है तो उसको दे सकता है जिसके पास नहीं हो अथवा उसको भी दे सकता है आर एच प्लस को भी जिसके पास डी एन है उसको भी दे सकता है आर एच माइनस आर एच माइनस का ले सकता है प्लस का नहीं लेगा क्योंकि डी एन डी एन वही ले सकता है जिसके पास डी एन होता है पहले से जिसके पास डी एन नहीं होता वो नहीं ले सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल में ओ ओ ग्रुप ओ प्लस है तो ओ जो होता है सर्वदाता होता है ना तो ये सबको दे सकता है प्लस वाले को सबको दे सकता है माइनस वाले को नहीं दे सकता क्योंकि माइनस वाले के पास डीएनटी जन नहीं होता है वो इसी प्रकार से o कर तो o का कर सकता है। और क्योंकि इसके पास डीएनजन है तो डी पास डीएन है उसको ले सकता है उसको भी ले सकता है इसके पास है, तो आल प्लस को ग्रहण दे सकता है माइनस को दे सकता है जिसके पास नहीं है तो जिसके पास नहीं है उसको भी दे सकता है और जिसके पास है उसको भी दे सकता है सर्वदाता होता है सबको दे सकता है ओ माइनस जिस किसका ले सकता है सिर्फ ओ माइनस का ले सकता है ओ प्लस का नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास खुद के पास डी एन नहीं है तो जिसके पास डी एन है उसको नहीं ले सकता है इसी प्रकार से ए बी प्लस ए बी प्लस किसको दे सकता है ए बी प्लस को दे सकता है ए बी माइनस को नहीं देगा क्योंकि इसके पास डीएनटीजन है माइनस के पास होगा ही नहीं तो जिसके पास होगा ही नहीं वो नहीं ले सकता है ए बी प्लस ए बी प्लस एंटीजन इसके पास डी एन है तो किसका ग्रहण करेगा आल प्लस का कर सकता है और आल माइनस का कर सकता है क्योंकि ए बी सर्वग्राही होता है ना तो सबका प्लस वाले का कर सकता है सबका माइनस वाले का भी कर सकता है तो किसके पास खुद का डीएनटीजन है ए बी माइनस इसके पास डीएनटीजन नहीं है तो किसको दे सकता है ए बी प्लस को दे सकता है ए बी माइनस को दे सकता है ए बी माइनस इसके पास डीएनटीजन नहीं है तो किसका किसको ले सकता है आल प्लस एल माइनस का ले सकता है माइनस का यहाँ लिखा है माइनस आल माइनस का ब्लड ग्रुप ले सकता है प्लस का नहीं ले सकता है क्योंकि प्लस वाले के पास डीएनटीजन होगा और इसके खुद के पास डीएनटीजन नहीं है तो नहीं ले सकता है अब यहाँ से एक चीज निर्धारित हमें हुआ एक चीज हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ओ माइनस ये है ओ माइनस ओ माइनस आल प्लस का ले सकता है आल माइनस का ले सकता है यानी कि सभी लोगों का सभी आल का मतलब ए बी ए बी ओ आल होता है आल प्लस का भी ले सकता है आल माइनस का भी ले सकता है यानी कि जिसके पास डी एन होता है उसका भी ले सकता है जिसके पास डी एन नहीं होता है उसका उसको भी दे सकता ले नहीं सकता दे सकता है मतलब क्योंकि डोनेटर होता है ना ओ तो ओ माइनस क्या होगा यहाँ से चार हो गया ओ माइनस ग्रुप क्या हो गया सर्वदाता हो गया यूनिवर्सल डोनर हो गया पिछले एपिसोड में भी देखे कि ओ ग्रुप क्या होता है सर्वदाता होता है तो ओ में भी ओ प्लस ओ माइनस तो ओ माइनस जो है सर्वदाता हुआ ओ प्लस जो है केवल ओ ओ प्लस जो है ऑल प्लस को दे सकता है ऑल माइनस को नहीं दे सकता है ना क्योंकि तो इसके पास डीएनटी जाना है तो सर्वदाता तब कौन हुआ ओ माइनस हुआ उसी प्रकार से यहां से हमें एक चीज मिला ए बी प्लस ए बी प्लस जो है ए बी माइनस का ले सकता है और आल माइनस का ले सकता है आल प्लस का ले सकता है सबका ले सकता है यानी तो कि इसके पास डीएन टीजन है तो डी एन टीजन वाले को भी ले सकता है और डीएन टीजन जिसका पास नहीं है उसको भी ले सकता है क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है सर्वग्राही होता है ना ए बी ए बी प्लस जो होता है ए बी प्लस आल आल प्लस का ले सकता है आल माइनस का ले सकता है तो ए बी प्लस जो होता है सर्वग्राही होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है ए बी प्लस और ए बी माइनस सर्वदाता होता है तो सर्वदाता आप पूछेगा क्या होता है ए बी माइनस सर्वग्राही क्या होता है ए बी प्लस अभी तो याद है बाद में भूलेंगे तो उसके लिए मैट्रिक बता दूं कि ए बी ए और बी दोनों लोग मिल के किसी को छीन लेंगे ना ग्रहण कर लेंगे यानी कि रिसीव कर लेंगे दोनों लोग जब मिल जाएंगे प्लस का मतलब क्या है कि मिल जाएंगे ए और बी दोनों लोग मिल जाएंगे तो दो लोग हैं ए और बी नाम से दो व्यक्ति हैं और दोनों मिल जाएंगे तो किसी को पटक के छीन लेंगे कोई चीज ना तो इसलिए ए बी प्लस जो होता है सर्वग्राही होता है और ए बी माइनस एक तो ओ है वो का मतलब जीरो और उसके पास कुछ नहीं है और डी 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 एंटीजन भी माइनस है यानी कि डी एंटीजन भी नहीं यानी कि इसके पास कुछ नहीं है तो इसको जब कुछ नहीं है मतलब कमजोर है इसका मतलब कि इसको दबा के कोई भी इससे कुछ मांग लेगा पकड़ के कोई भी मांग लेगा ये कमजोर है यानी कि इसके पास कुछ नहीं है तो कोई भी कुछ मांग लेगा और डर के मारे ये दे देगा तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ए बी प्लस जो होता है सर्वग्राही होता है और ओ माइनस जो होता है सर्वदाता होता है आर बी सी की सतह पर रक्त समूह के एंटीजन ग्लूटिनोजन कहलाता है और प्लाज्मा में रक्त समूह से संबंधित एंटीबॉडी ग्लुटीनस कहलाता है ए बी ओ सिस्टम में केवल चार परसेंट लोगों का ब्लड ग्रुप ओ माइनस होता है ओ माइनस केवल चार परसेंट लोगों का ही ब्लड ग्रुप होता है बच्चों में डी एंटीजन पिता के यानी कि मेल के एंटीजन पर निर्भर करता है अगर मेल में डी एंटीजन है तो बच्चे में भी डी एंटीजन जाएगा मेल में डी एंटीजन नहीं तो बच्चों में भी नहीं जाएगा ब्लड ग्रुप की चेक करने के लिए एंटीसीरम का प्रयोग किया जाता है जो संबंधित ब्लड ग्रुप का क्लाटिंग कर देता है अगर ए प्रकार का एंटीसीरम है तो ए ग्रुप का क्लाटिंग कर देगा बाकी किसी का कुछ नहीं करेगा

लड़का ए प्लस लड़का प्लस वाला हो जैसे ए प्लस बी प्लस जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ओ प्लस इत्यादि और उसी ब्लड ग्रुप का लड़की हो माइनस वाली तो सेम ब्लड ग्रुप में लड़का अगर प्लस हो और लड़की माइनस हो इन दोनों की शादी करा दी जाए तो इसमें इनके में इरिथ्रोब्लास्टिस नाम की एक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी में क्या होता है कि पहला बच्चा तो सरवाइव कर जाता है लेकिन उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं करते हैं इसके लिए डी एनटीजन ड्रग्स भी दिया जाता है ऐसा नहीं है तो इसके लिए डी एन टी ड्रग्स भी दिया जाता है क्योंकि डी एन टीजन सही प्लस माइनस निर्धारित होता है ना तो डी एन टीजन ड्रग्स भी दिया जाता है इसी को इरिथ्रोब्लास्टिस पोटिलिस बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम हमने बताया था ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में कि हृदय के सेप्टम में अगर छेद हो जाता है तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगता है तो इसी ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं स्वास्थ्य कुंडली स्वास्थ्य कुंडली में थैलेसीमिया चेक किया जाता है एच चेक किया जाता है हेपेटाइटिस ए और बी चेक किया जाता है ब्लड ग्रुप आर फैक्टर चेक किया जाता है थैलेसीमिया एच आई और हेपेटाइटिस ह्यूमन डिजीज में मानव रोग में हम लोग इस दिनों के बारे में पढ़ चुके हैं और ब्लड ग्रुप फैक्टर ब्लड ग्रुप और आर फैक्टर इसको इस टॉपिक में पढ़ लिए तो इस प्रकार से स्वास्थ्य कुंडली चेक की जाती है स्वास्थ्य कुंडली के मतलब कि शादी करने से पहले कुंडली जो देखी जाती है ना तो वो कुंडली अलग होती है उसी प्रकार से एक स्वास्थ्य कुंडली होती है यानी कि साइंस के हिसाब से कुंडली उसी में मिलाया जाता है कि कहीं आगे चल कर प्रॉब्लम ना हो जैसे अभी हमने बताया ना इथ्रोब्लास्टिक फोर्टलिस में कि बीमारी क्या हो सकती है सेम ब्लड ग्रुप हो एक लड़का प्लस हो लड़की माइनस हो दोनों को शादी कराने पर यह बीमारी होती है जिसमें पहला बच्चा सर्वाइव करता है अगला बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है तो एंटीड्रिक्स दी जाती है उसके लिए इलाज कराना पड़ता है तो ये सब बीमारी होती है इसीलिए स्वास्थ्य कुंडली चेक करनी पड़ती है नेक्स्ट देखते हैं आज के लिए इतना ही वीडियो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दे धन्यवाद